माइंड में जब भी काम ना, नहीं कर रहा है। हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है, ये पता तब का, ये होता है तब कभी होता कभी है ना सबके जब साथ आप, होता है। जब ना आपके अरूधा लगन से 12th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स पहुंच जाए, या एग्जैक्टली 12th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट होंगे, तो ना आपका माइंड ना उस टाइम काम नहीं कर पाता है। मेरे साथ हो रहा था, नाउडेज लाइक इट्स ना मेरे नॉट साथ भी होता है, वर्किंग काम नहीं कर रहा है, मतलब ना स्कॉर्पियो भी बिल्कुल। ये ना। पूरा हफ्ता हो गया मेरे को ऐसा लगता है कोई थॉट ही नहीं है माइंड में, इट्स जस्ट ब्लैंक। हाँ तो वही है, तो या तो आप मतलब आपसे ना स्कॉर्पियो जो है वो ना 6, 8, 12 में है, मतलब ये बात तो श्योर है। स्कॉर्पियो का साइन या तो छठे घर में, 8वें में है, या 12वें में है। अब ये लगन से हो सकता है या लग्नेश से हो सकता है, कोई से भी हो सकता है, ठीक है, इसी वजह से बुद्धि काम नहीं कर रही। हो सकता वो नहीं काम करती है ना, जब अपने से अगेंस्ट में सारे प्लैनेट होते हैं ना, इसीलिए अपनी बुद्धि नहीं है, तभी तो अपन गलतियां करते हैं, तभी तो अपना पगलेटी शुरू होता है, तभी तो अपन कुछ ना कुछ कांड करते नहीं, हैं। इट्स बुद्धि काम नहीं करी इन द सेंस ना, कुछ सेंस नहीं है। जैसे लाइक सैडनेस हैप्पीनेस सब मिक्स है, ऑल फीलिंग्स आर मिक्स्ड। सही है। और मेरे अच्छा को समझ नहीं तो आया एक्चुअली हाँ, क्या हो रहा है। लेट 10 मिनट बीत गए, लेट मी स्टार्ट जेमिनी आया। श्योर। अरविंद जी जेमिनी थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए, आई नो यू रिमेम्बर अ लॉट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। नहीं मुझे याद नहीं, अरे ऐसे मुझे कैसे, क्यों कर ले हो? प्लीज फिर भी जेमिनी कुछ तो, जेमिनी क्या है? जेमिना तो जेमिना ही अपना स्क्राइब्स है एंड फोकस है, जहाँ पे हमेशा इंटरेस्ट रहता है, हॉबीज रहती हैं। मैंने एक्चुअली इसके नोट्स भी नहीं बनाए लास्ट वीक में। ओके संध्या जी नेक्स्ट, आप जेमिनी आपका टाइम खत्म होता है। सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस रीजन है, ठीक है। देख देख के बोल रही है सर, ये देख और के बोल रही है सर, देख के बोल रही है। सो ठीक है ठीक है, व्हाट, हाउ डज इट मैटर? ओके बोलने दो जो भी है वो बोल ओके, लो। ये अपना सबकॉन्शियस रीजन है इसमें ये। और सबकॉन्शियस से देखो अब आता है ना, प्रिडिक्शन नहीं होगा इससे, सबकॉन्शियस से क्या ही प्रिडिक्शन कर लोगे तुम, प्रिडिक्शन वाले पॉइंट बोलो कि ना इससे याद अच्छा रहेगा कि प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन क्या करनी थी अपने, मतलब चलो क्या मैं बोलूं बताता हूँ जेमिनी इसे। देख करके क्या क्या बोलूं। हाँ हाँ इसका मैं बताता सिबलिंग्स हूँ, हैं, नेबर्स हैं, उनके प्रिडिक्शन होते हैं इससे। हाँ नेबर्स के और काफी इजी हो जाते हैं तो हाँ प्रिडिक्शंस। स्किल है, स्किन सर्टिफिकेट पेपर वर्क। एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, वो वैसे थर्ड हाउस से देखते हैं तो वो जेमिनाई में भी आ जाएगा। और फादर इन लॉ, ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन। अरे हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ना, द वे यू हाँ स्पीक। यस। एक तो एक ही आपने बताया था ना कि वो खासियत कान्हा जब उसके नीचे जेमिनी चला जाता है, सो जेमिनाई है, की, यहाँ तक ऊपर टॉरस रहता है, और एक बार चला गया सो वही ना जो शब्द आपने बोल दिए वो वापस नहीं आ सकते। सो दिस इज हाउ बिल्कुल। यू एक्सप्लेन। या थर्ड एंड 8th हाउस का वर्ड्स, काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन रहता है, हाँ जो थर्ड में जाता है वो हमेशा 8th से निकलता राइट। है। एंड हॉबीज आती हैं इसमें, स्ट्राइप्स बहुत ज्यादा ईगो, रहती करेज, हैं। करेज एंड भी होता जो है। भी अगर जेमिनाई का अगर महादशा चलती है या अंतरदशा, तो उसमें फेम काफी मिलता है उस टाइम पे बिकॉज ओके ओके ऑफ द ओके। स्ट्राइप्स और एंड उस टाइम पे यू फॉलो योर हॉबीज कम्युनिकेशन। आल्सो। हाँ बिकॉज द हॉबीज बिकम योर प्रोफेशन, तो उसकी वजह से फेम भी आता है। एरी से अपना साइंस एंड है, यंगर साइन सिबलिंग वाइज देखते हैं कि साइन से क्या है, लाइक टॉरस से क्या है ये जेमिनाई, सेकंड तो टॉरस और क्या, टॉरस और क्या है ये, टॉरस टॉरस, टॉरस से टॉरस का फैमिली, फैमिली है, ओके टॉरस का फैमिली है, टॉरस का फैमिली है। टॉरस का फैमिली क्या होता है मतलब? और समाज हो गया फैमिली ना, कैसे कम्युनिकेट समाज हो करती है गया, बाहर, समाज नेबर हो हो गया ना गया आपके, ना। सराउंडिंग सराउंडिंग हो गया ना हाँ आपका।
मतलब कजिन्स वगैरह और वो सब हो गए ना, फैमिली का फैमिली है। परिवार के दो मतलब आपका परिवार का कोई जानने वाला दूसरे का परिवार वाला, ठीक है। जेमिनाय है, जेमिनाय किड है, बच्चा है, ठीक है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बताई थी कि ना किड्स देखा जाता है इससे, ठीक है। जेमिनाय, अच्छा पता है जेमिनाय में ना, जेमिनाय में कुछ नहीं मिलता है, मजे की बात है। देखो तुम्हारा जो थर्ड हाउस जो भी साइन मिला है तुमको ना, वो तुम्हें कमाना पड़ता है। लाइक ना वो तुम कभी भी ना वो नेचुरली नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना। लाइक मर्करी थर्ड हाउस में है तो स्पीकिंग स्किल ना समय के साथ सीखोगे, नेचुरली आएगा नहीं स्टार्टिंग। थर्ड हाउस उपाध्याय हाउस है वैसे भी, तो मतलब टाइम के साथ बेटर होएगा। हाँ ये शब्दों में मत जाओ, ठीक है। ये सब शब्द बना दिए गए हैं, इससे दिमाग ब्लॉक होता है। बस तुम्हें ये समझना होगा कि ये उपाध्याय क्यों है, फिर Why does it is उपाध्याय, तुम्हें ये जानना होगा कि ये बेसिक कोर समझ जाओ। अगर इससे समझ गए कि कोर क्या है, जैसे कि आपने एक शब्द यूज किया करेज, करेज तो करेज जहां है उसके अगेंस्ट में क्या, अच्छा व्हाट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ करेज? थर्ड के अगेंस्ट नाइन्थ हाउस आता है, रिलीजन है। करेज के आप अच्छा अगेंस्ट में बताओ, कायरता, कायरता, कावर्डनेस, फियर है। देखो जेमिनाय और वृश्चिक का यानी कि स्कॉर्पियो का रिलेशन ना 1:8 है, लाइक 8th रिलेशन है। अगर जेमिनाय स्ट्रॉन्ग है तो स्कॉर्पियो गया, मार्स जेमिनाय में जाते ही करेजियस हो जाता है ऐसा व्यक्ति, क्यों? क्योंकि 1:6 का है। हाँ जेमिनाय से देखोगे तो 1:6 है, स्कॉर्पियो से देखोगे तो 8 आएगा। हाँ ठीक, कोई से तो 8। नेटवर्क ठीक नहीं है तो ओके, हाँ दैट वुड बी आई थिंक गुड, ठीक है मे बी शायद होप। देखो स्कॉर्पियो से ना ये 6-8 का रिलेशनशिप है, ठीक है। सब लोग ना अपने हाथ में ना स्कॉर्पियो बनाओ और चार्ट में बनाओ, आज से लग पेन पेन यूज करना शुरू कर देंगे हम लोग। एक रफ पेपर हाथ में लेंगे हम लोग, जेमिनाय को ना कायदे से एक्टिवेट करने के लिए पेन पेपर चाहिए, उसके लिए सब कुछ लिखित रूप में है जेमिनाय में। जेमिनाय मैंने कभी भी स्पोकन नहीं है, पेन पेपर चाहिए। तो स्कॉर्पियो से देखोगे ना, स्कॉर्पियो से 8th है जेमिनाय, ठीक है। मैं स्कॉर्पियो से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसी की एनर्जी प्रोमिनेंट है अभी ना, तो मेरे को इसके रेफरेंस में हमेशा बात करनी पड़ेगी, वरना ना यही नेटवर्क इशू होना शुरू हो जाएगा ज्यादा। बट जेमिनाय समझो कि मार्स जैसे ही जेमिनाय में बैठा है, लोग बोल रहे बहुत करेजियस है, बहुत करेजियस है। क्यों बोल रहे हैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स करेजियस है? क्यों? क्योंकि जो स्कॉर्पियो का जो साइन है उससे मार्स 8th में है। स्कॉर्पियो इज द हाउस ऑफ फियर, फियर भय के, भय से अष्टम में कोई ग्रह बैठा है तो वो क्या करेगा? फियर को खत्म करेगा, ठीक है। ठीक है, और फियर का लॉर्ड है, लाइक मार्स इज अ को रूलर फॉर स्कॉर्पियो, ठीक है। इसी वजह से जैसे ही वो जेमिनाय में बैठ रहा है वो उस करेज को खत्म कर रहा है, ठीक है। नाउ यू गेट दिस पॉइंट, ठीक है, गेट दिस पॉइंट कि जब भी कोई प्लैनेट अपने से अष्टम में बैठेगा वो उसको कमजोर करेगा, अपने हाउस के सिग्निफिकेशन को कमजोर करेगा। तो मार्स का सिग्निफिकेशन, मार्स जिस भी हाउस से 8th हाउस में है आपके कुछ चार्ट में, वो हाउस कमजोर है, ठीक है। मार्स का खासियत है कि वो कमजोर करता है उस हाउस को, ठीक है। उसकी सिग्निफिकेशन को, उसकी लॉजिक, वहां पे आप लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। मार्स के सिग्निफिकेशन लेकर लगा पाएंगे, जब वहां पे बात आएगी तब आप करेज नहीं दिखा पाएंगे, तब आप एक्शन नहीं दिखा पाएंगे, तब चीजें आप नहीं दिखा पाएंगे। इवन इफ की कहीं पे भी जब भी जेमिनाय स्कॉर्पियो से 8th में, स्कॉर्पियो नहीं, कोई से भी हाउस से 8th में जब जाएगा प्लैनेट, देखो स्कॉर्पियो से 8th, स्कॉर्पियो और इसका, तो स्कॉर्पियो से 8th में मार्स बैठता है, उससे फियर खत्म हो जाता है। ऑल टोटल और क्या है, सैजिटेरियस के सामने है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं तुमको होमवर्क दिया था ना कि बताओ सैजिटेरियस
स्कॉर्पियो तक तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज अच्छा स्कॉर्पियो इसीलिए क्यूरियस है ना एस्ट्रोलॉजी के लिए, क्यों, क्योंकि उसका हॉबीज का हाउस, क्यूरियोसिटी का हाउस, सीखने का हाउस सब एज हाउस में बैठा हुआ है स्कॉर्पियो, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर बनता है, वो सीक्रेट चीजों में जाता है, वो उन चीजों में जाता है, उन रिसर्च डिपार्टमेंट्स में रहता है स्कॉर्पियो जहां पे खोज हो रही है, क्यों, क्योंकि जेमिनाई का नेचुरल साइन जो है वो 8th हाउस में, खोज के हाउस में, रिसर्च के हाउस में, समझ पा रहे हो? नहीं उत्कर्ष, नहीं मुझे ये क्लियर लास्ट नहीं वाला हुआ। नहीं आया, ये हाँ वाला नहीं आया। जब वो अरे 8th हाउस में चला गया तो 8th हाउस इज नॉट इंटरेस्ट। अच्छा आप ये कह रहे हैं क्योंकि जेमिनाई का साइन 8th हाउस में है और वो इंटरेस्ट हाँ है तो इसलिए एग्जैक्टली हम वो जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी। एग्जैक्टली, जहां ओके पे भी जेमिनाई है ना आप उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, यू आर वेरी क्यूरियस, और ये भी है कि आप उसको सीखना चाहते हैं, ठीक है, उसको सीखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ योर क्यूरियोसिटी। उसमें आप किसी की नहीं सुनेंगे, मतलब कि आप उसको सेल्फ लर्न करेंगे। जेमिनाई लग्न किसी की नहीं सुनता है, वो उसके लगन का खासियत है। इसी तरीके से जहां पे भी जेमिनाई है आप उस मैटर्स में किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है, तो स्कॉर्पियो को अगर उसके रिसर्च एरिया में, एस्ट्रोलॉजी के एरिया में आप उसको ज्यादा कुछ बताने की कोशिश, ज्यादा इन द सेंस कि जब तक उसके ईगो को नहीं लगता है कि आप उससे नीचे हो कि ऊपर हो, अगर आप उसके ईगो को लगता है कि आप उस नॉलेज में उससे आगे हो तो आपसे सीखेगा, ठीक है। और लाइक स्कॉर्पियो लग्न अपने ससुराल की नहीं सुनता है, ठीक है, अपने ससुराल की बिल्कुल नहीं सुनेगा, ये इसको सुननी ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको ससुराल में प्रॉब्लम है, लगन में ही मिला है ना स्कॉर्पियो का, ससुराल से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये चीज है, तो क्यूरियोसिटी का हाउस गया हुआ है। अच्छा जितने भी देखो सैजिटेरियस हाउस, सैजिटेरियस में देखो, सैजिटेरियस में ना जेमिनी 7th हाउस में गया, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ शो ऑफ, जितने भी सैजिटेरियस लोग हो ना सब अपना स्किल शो ऑफ करने में लगे रहते हैं, लाइक तुम देखोगे कि जितने भी लोग हैं जो शो ऑफ की इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, वेदर इट्स लाइक कि ना वो मीडिया है, ठीक है, मीडिया है, डांसिंग है, सिंगिंग है, कहीं ना कहीं उसका सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि नेचुरली ना द स्किल जो है, जो स्किल है वो किसमें है, पब्लिक डीलिंग में, समझ पा रहे हो, हाँ पब्लिक डीलिंग में स्किल है, स्किल अटेन करता है ऐसा व्यक्ति पब्लिक डीलिंग से, 7th हाउस में है, ठीक है। तो क्या स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये होगा कि नेचुरली ये बंदा ना डांस में, सिंगिंग में किसी तरीके से शो ऑफ करना है, इसको अपना स्किल शो ऑफ करना है, उसके बाद धीरे धीरे जब स्किल शो ऑफ का वो एज जाएगा, जेमिनाई मच्योर होगा, तो इट विल बी मोर टुवर्ड्स ना पब्लिक डीलिंग, बिजनेस चलाने में दिमाग बहुत तेज चलता है सेजिटेरियस का, ठीक है। सेजिटेरियस लगना तुम पाओगे कि उसका ना बचपन का कोई स्किल है जरूर, डांसिंग का, इसका, और जो जिससे उसको ना फेम पाया है, जिसकी वजह से पब्लिकली ही इज नोन, ठीक है। क्यों, एक और रीजन हो सकता है ना, क्योंकि एरीज का साइन देखो, एरीज का साइन किधर है सेजिटेरियस में, 5th हाउस में है, इन द नेचुरल हाउस ऑफ फेम एंड ऑल दैट, तो सेजिटेरियस का तो फोकस है ना 5th हाउस पे, वो मीडिया, वो बिग चीजें, मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इसमें फोकस है 5th हाउस में, 5th हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है कि आपका 5th हाउस जरूरी है, तो एरीज है वहां पे, और जेमिनाई भी मिल गया साथ में, साथ शो ऑफ के साइड में, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा व्यक्ति शो ऑफ क्या कर रहा है, आपका क्रिएटिविटी शो ऑफ करने के लिए परेशान है सेजिटेरियस व्यक्ति, इसको चाहिए किसी ना किसी बेसिस में वो अपना क्रिएटिव कुछ करके दिखाने का जरूरी है इसके लिए, फिर धीरे चल आगे चल करके डेवलप होते होते वो पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट हो जाता है ऐसा व्यक्ति, समझ पा रहे हो, सेजिटेरियस यस को देख पा रहे हो कि नहीं, कि इसका क्या क्या है, ठीक है। हाँ इसीलिए ना सेजिटेरियस को पैसों से फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि पैसे इसके लिए कुछ भी नहीं है भाई, क्रिएटिव बंदा अगर पैसे के बारे में सोचता है तो वो बनिया हो जाएगा, और जैसे ही वो बनिया हुआ तो वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकता ना, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आर्ट आने के लिए आपको कुछ चाहिए जो बियॉन्ड मनी हो, जो बियॉन्ड मनी आप सोच पाए, तो टॉरस तो 6th हाउस में हो गई,
उस डायमेंशन को दूर करना जरूरी है, ठीक है। इसलिए इसको पैसे का नहीं है ज्यादा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मनी आए ना आए, अपना स्किल आना चाहिए, अपना ये मजबूत करना जरूरी है, जर्नी भी उधर ही है, ठीक है, जो भी तुम्हारा सेवेंथ हाउस में उधर जर्नी है, ठीक है। तो सैजिटेरियस का जर्नी जेमिनाय की तरफ है, तो सैजिटेरियस व्यक्ति ना किसी एक स्किलफुल आदमी के पास रहता है ताकि उससे वो स्किल सीख सके, ताकि वो सीख सके उससे वो चीज, उसको वो चाहिए क्योंकि उसको जेमिनाय पसंद है, जेमिनाय चाहिए उसको, ठीक है। कैंसर को, कैंसर हमेशा ना परेशान रहता है कि वर्क मिल जाए उसको, काम अच्छा हो उसका, ना काम के रूप में हो, क्यों, क्योंकि कैंसर से सेवेंथ हाउस में कैप्रिकॉर्न है, एरीज भी देखो टेंथ हाउस में मिला है, फोकस भी टेंथ हाउस का है, ठीक है। इसी तरीके से जर्नी, मतलब जर्नी है ट्रैवल। वर्गो का पूरी चेष्टा होती है पाइसिस की तरफ में, ठीक है, वर्गो की पूरी चेष्टा होती है पाइसिस की तरफ में, पाइसिस इन द सेंस की ना चिंता मुक्त हो जाऊं मैं, पाइसिस इज चिंता मुक्त। वर्गो वाला व्यक्ति किसी तरीके से, मतलब सब कुछ फ्री रहूं मैं, टेंशन फ्री रहूं, इंडिपेंडेंट रहूं, इसकी चेष्टा है उसकी, वर्गो की। तो जर्नी उधर है, मतलब ऐसा भी समझना चाहिए कि जर्नी उधर है सेवेंथ हाउस में, हर लगन का जर्नी, मतलब दैट इज द पार्ट ना जो आपको लगता है, जो आपको इनकम्प्लीट है, आपको कंप्लीट करता है। इसीलिए सैजिटेरियस को बहुत जरूरी है कि अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए, कि भाई अपन अगर कायदे से बात नहीं कर सकते, चीजें कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो वो पूर्ति नहीं होगी। वो जो ना सैजिटेरियस एक बोला गया है मूक साइन है, मूक मतलब इन द सेंस की नॉट स्पीकिंग साइन है, ठीक है, इट्स अ मोर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग फील बेस्ड साइन है, क्यों, क्योंकि एक तरफ स्कॉर्पियो है, एक तरफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, दोनों तरफ ये साइन है, देख पा रहे हो जर्नी, देख पा रहे हो किसकी किधर है। कैप्रिकॉर्न तो इस हिसाब से स्कॉर्पियो की जर्नी इज टुवर्ड्स वेल्थ, क्योंकि सेकंड मतलब सेवेंथ हाउस में टॉरस आ जाएगा, सो मनी माइंडेड होंगे ये लोग, फैमिली और मनी। हाँ, स्कॉर्पियो को लगता है कि ना मोर ऑफ, स्कॉर्पियो का जर्नी ना मोर ऑफ वेल्थ और फैमिली को छोड़कर के इट्स अबाउट ज्वेल, हीरा हाथ में लगना चाहिए। अच्छा, तुम देखो ना जितने भी खदानची हैं वो सब किस लिए हैं, कि एक बार सोना मिल जाए, बस कहीं से गड़ा सोना सोना मिल जाए, मतलब उस तरह सोचो ना। स्कॉर्पियो इज अबाउट हिडन थिंग्स, ये चीज, एक बार हीरा हाथ में लग जाए, लाइक उसकी तलाश, स्कॉर्पियो की तलाश हीरा पाने की है। टॉरस इज द साइन ऑफ डायमंड, हीरा का साइन है, हीरा एक ज्वेल मिल जाए, लाइक एक कीमती आइटम ऐसा मिल जाए, तो हाँ पैसों की तरफ है स्कॉर्पियो का, है पैसों की तरफ में, ठीक है, लेकिन इट्स लाइक ना दैट वन थिंग, इट्स लाइक वो एक उस चीज की आशा कर रहा है, ठीक है, वो ज्वेल की, कुछ वो बेहतरीन पाने की है, कि ना जिसका कोई मुकाबला ना कर सके। टॉरस इज लाइक कि ना उस, टॉरस इज लाइक अ ज्वेल जिसका कोई मैच नहीं है, डायमंड इज लाइक दैट, ओके, ठीक है। तो स्कॉर्पियो के लिए बहुत जरूरी है कि उसका ईगो ना, ईगो स्कॉर्पियो ना, स्कॉर्पियो देखो एक शहादत का साइन है, शहादत मतलब ना कि मैं अगर जीते जी मेरे को ना इज्जत नहीं दे सकते हो तुम, तो मैं मर के इज्जत लूंगा, क्यों, क्योंकि लियो का साइन टेंथ हाउस में मिला है, ठीक है, इसको लॉजिकली लियो समझ में आता है। इसीलिए जो लोग लाइक जो सोल्जर्स हैं, जो लोग लास्ट मोमेंट पे आते हैं कि लाइक कुछ ना करके दिखा दूंगा मैं, कि जिंदा रह करके नहीं, मर करके ही मिले तो मिले सही, ठीक है, दैट्स द लाइक दैट्स हाउ स्कॉर्पियो थिंक्स, दैट्स हाउ स्कॉर्पियो थिंक्स, की जिंदगी भले गुमनाम हो, मौत वैसी होनी चाहिए। तो दैट्स लाइक दैट्स द लेवल कि ना वो चाहते हैं कि एक बार वो हीरा जरूर हाथ में लगना है, दैट्स द थिंकिंग ऑफ ये, ठीक है। तो वो पब्लिक फेम ज्यादा है, लाइक स्कॉर्पियो के अपोजिट में इट्स लाइक पब्लिक फेम ज्यादा है। टॉरस वीनस का ही अगेन एक रूप है, ठीक है, लिब्रा का ही वो फॉर्म बनता है वहां पे, ठीक है, तो इस तरीके से समझो। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन का साइन है, ठीक है, कैप्रिकॉन बनाओ जल्दी से। कैप्रिकॉन विल लुक फॉर इमोशंस, क्योंकि कैप्रिकॉन इज अ वेरी ड्राई साइन, और उसके अपोजिट आएगा दिस कैंसर।
डोंट फॉरगेट द प्रीवियस साइंस. मैं एरीज भी पढ़ाया है, टॉरस भी पढ़ाया है, जेमिनी भी पढ़ाया है, और फिर सेवेंथ हाउस में तुम देख रहे हो, ठीक है. एरीज को मत भूलो, फोकस वहां पे. तुम उससे शब्द बनाओ, उससे शब्द बनाओ कि वहां से क्या लेना है. तो शांति, कैप्रिकॉर्न इज लुकिंग फॉर शांति. हाँ ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस में एरीज आ गया. हाँ राइट. तो ये काम काम कर करके परेशान है, मतलब जिम्मेदारियों से परेशान है, काम से परेशान है, चीजों से उससे थकान है. बस बोले कि किसी तरह से नहीं, घर का सुकून, घर का सुकून है, मतलब ठीक है. कैप्रिकॉर्न लगना को घर का सुकून नहीं होता है, ठीक है. दैट इज व्हाई दे ना दे उठ करके वो प्लेस चेंज करके दूसरी जगह पे रहने जाते हैं, और जब जाते हैं तभी सुकून मिलता है, ठीक है. जब प्लेस चेंज होगा लाइफ में, शादी के बाद तो 100% होता है, शादी से पहले भी हो जाए तो बढ़िया है. समझ पा रहे हो कैप्रिकॉन कैसा का जर्नी है, ठीक है. तो कैप्रिकॉन के लिए जेमिनी कहाँ मिला है? जेमिनी सिक्स हाउस में मिला है, और एरीज मिला है फोर्थ हाउस में, टॉरस मिला है फिफ्थ हाउस में. तो जेमिनी सिक्स हाउस में क्या करेगा? बात करके लोगों को सर्व करेगा. बात किस करके चीज, किस लेवल पे, किस चीज की क्यूरियोसिटी रहता है पहले ये तो सोचो कि क्या चीज इसको चाहिए. लाइक ना मकर राशि को, मकर राशि को ना प्रॉब्लम्स चाहिए, मतलब मकर राशि ना इस वो बंदा है जो बंदा या बंदी है, अगर मकर लगन है तो इसको ना बड़ा मजा आता है दूसरों की बुराइयां करने में, बहुत मजे से कि दूसरे के घर में क्या दिक्कत चल रही है इस बात का पता होना मकर के लिए बहुत जरूरी है. सर बहुत सही बोल रहे हो, गॉसिप्स, दे आर फॉन्ड ऑफ गॉसिप्स. मेरी बेटी, मेरी भांजी, उसका हस्बैंड, तीनों कैप्रिकॉन्स है, और मेरी बेटी को मम्मी क्या हो रहा, मुझे नहीं होती क्यूरियोसिटी, उसको होता है मम्मी क्या लड़ाई हो गई, मम्मी क्या हो गई. मैंने कहा पूरी आंटी है जैसा तू तो. ये वही, हाँ बिल्कुल, ये मोहल्ले वाली आंटियां हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सीसीटीवी कैमरा जिनको दूसरे घर में ना प्रॉब्लम्स जाननी है कि क्या हुआ, क्या ऐसा सब कुछ बातें ना चार चार बार बताओ इनको कि सेम कहानी चार चार बार सुनती है. क्योंकि नेचुरली वो क्लियरिटी का हाउस है, लाइक ना वर्ग जो सिक्स हाउस है वर्गो है, वर्गो में सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर चाहिए तुम्हें, और रिपीटेटिवली उसको लाइक बार बार सुनने का होता है. तो जेमिनी जब जाता है तो आप क्लियरली उस चीज को करते हैं. इसलिए कैप्रिकॉर्न लगना वेरी गुड, ना वेरी गुड विथ हैंड राइटिंग. कैप्रिकॉर्न का हैंड राइटिंग बहुत सही होता है, नेचुरली मिला हुआ है, बहुत सुंदर है. तो देखो सिक्स, हाँ उसका, क्योंकि वो स्किलफुली वर्गो का मिला है ना, क्रिस्टल क्लियर लिखती है एकदम, प्रोनाउंसिएशन भी वैसा ही मिला है. तो जेमिनी और वर्गो दोनों मिल गए हैं एक प्रकार से. ऐसा ही सेम कॉम्बिनेशन तुमको उसमें मिलता है, कैंसर में मिलता है, क्योंकि वर्गो उठ करके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है. तो इनकी स्पीकिंग स्किल होती है, ठीक है, इनकी स्पीकिंग, कैंसर की स्पीकिंग स्किल, ऑब्वियसली गुरु का साइन है, अच्छा नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा. क्रिस्टल क्लियर बोलता है, उच्चारण बहुत क्रिस्टल है, लॉजिकली बोलेगा क्रिस्टल क्लियर, ठीक है. क्योंकि अगेन तुम जेमिनी सिक्स हाउस को देख पा रहे हो और वर्गो उठ करके थर्ड हाउस में बैठा, तो सेम कॉम्बिनेशन समझ रहे हो ना, सेम ही चीज है. अपूर्वा जी आप भी चार्ट बना रहे हो ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कैप्रिकॉर्न बनाया ना, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है हम कर क्या रहे. ओके मेरे को अभी चार्ट बनाना ही नहीं आता. ओके ओके मेक अ बॉक्स, ठीक है, मेक अ बॉक्स और उसमें क्रॉस लगाओ, ठीक है. वो डायमंड स्ट्रक्चर बनाने आता है, डायमंड स्ट्रक्चर बनाने आता है कि नहीं? हाँ, वो तो आता है. वो डायमंड स्ट्रक्चर बना लिया. अच्छा चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दो, आप बना के उसको इजी हो जाएगा. हाँ मैं वही करवा रहा था, मेरे को इनेबल करो अरविंद जी. संध्या, हाँ हाँ, जिज्ञासा की स्पीच बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे सर बोल रहे हैं तो उसमें क्या फिर प्लैनेट्स का या दूसरा, हाँ, वो केतु का कुछ होगा. हाँ केतु का कुछ ना कुछ होगा. उसकी स्पीच बिल्कुल ता को ता बोलती है, ता को टा बोलती है. हाँ वो मरकरी का कुछ होगा, मरकरी केतु का कुछ होगा. उसका नवांश में भी देखना मिल जाएगा. केतु का बैठा उसका
उत्कर्ष का थर्ड हाउस में है ना, नहीं ये उत्कर्ष का वर्गो, नहीं, उत्कर्ष वर्गो है का उत्कर्ष का। हाँ नहीं, हम किसी और की बात कर नहीं रहे हैं नहीं वो मैं जिसकी। समझ गई, वो तो आप किसी और की बात करें, मैं तो जनरली क्योंकि इसने बोला ना जिसका थर्ड हाउस में वर्गो होगा, सो वो हाँ स्पीकिंग स्किल्स उत्कर्ष बहुत का है। अच्छे हाँ होंगे। हाँ सो वो हाँ ही मैं कह रही हूँ, हाँ इसीलिए उत्कर्ष एक एक चीज अच्छे से हमें समझा रहा है। एंड सेम गोज फॉर सर ऑल्सो, दीपांशु सर, क्योंकि उनका भी वही है, ही इज हाँ कैंसर। नेचुरल गुरु का हाँ साइन है ना, नेचुरल गुरु का साइन। गुरु अगर अच्छा नहीं बोलेगा तो फिर क्या ही बोल पाएगा वो, तो फिर क्या ही पढ़ा पाएगा। हाँ तो मतलब वो है ठीक है। अपूर्वा जी ये वर्गो बॉक्स नेचुरल देख गुरु पा का रहे हैं ना, साइन है। हाँ नहीं जी कैंसर, कैंसर इस तरह के डायमंड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं ना आप, हाँ, मतलब बॉक्स तो मैं बना ही लिया है। ठीक है। इसमें देखो जहां पे चार नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पांच है, यहाँ छ, सात, आठ, नौ, दस, इसी ऑर्डर में चलता है, ठीक है, एक ओके दो ओके तीन चार पांच ऐसे बढ़ता रहेगा। तो आप यहाँ पे 10 लिखो फर्स्ट बॉक्स पे ना, 10 लिखो, ओके फिर यहाँ 11, 12, ओके 1 मिनट, 11, 12, हाँ फिर 1 लिखो यहाँ पे फोर्थ हाउस में, 1 लिखो, ओके फिर फिफ्थ हाउस में 2 लिखो, थ्री, थ्री सिक्स हाउस में, ठीक ओके है, फिर नेक्स्ट बाकी पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है, दिस वे। ओके तो सिक्स्थ ओके हाउस में ना, सिक्स्थ हाउस में 3 नंबर आया, 3 नंबर इज द नंबर ऑफ जेमिनाई, ठीक है, जेमिनाई, इससे पता चलता है जेमिनाई का साइन यहाँ पे है, ठीक है। अब वो सिक्स्थ हाउस भी है वो, क्योंकि वो ना तुम और नेचुरली काउंट करोगे, नेचुरली ये फर्स्ट हाउस ही है, वन नंबर, वन ओके टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ओके थ्री और सिक्स मिल रहे हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ वर्गो और जेमिनाई मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, ओके ठीक ठीक है। इस वे से आप चार्ट, है। आपको ना मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, ठीक है, तो हाँ ताकि ना वो प्लीज, ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि ना, क्योंकि फिर ना समझ नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा जो चीज बताऊंगा हाँ मैं। वो मेरे को मतलब सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक समझ आते हैं, कुछ चीजें समझ में आती हैं रिलेट होता हुआ हाउस से, लेकिन चार्ट समझ नहीं आता देख ठीक के। है, क्योंकि ना ये सेकेंड क्लास है, तो वो ऑलरेडी वो अपन ऊपर जा रहे हैं इसमें, हाँ ठीक है, तो वही है कि लिंक कर रहा हूँ मैं अब तो बार बार चीजों के लिए हाँ आपके, ठीक है। तो जेमिनाई इज दिस वे, तो क्रिस्टल क्लियरिटी तुमको मिलेगी वर्क कन, और साथ ही साथ कन्वर्सेशन में मिलेगी, राइटिंग मिलेगी तुमको कैप्रिकॉर्न के लिए, क्योंकि सिक्स हाउस और जेमिनाई मिल रहा है। अच्छा नाउ द अक्वेरियस, अक्वेरियस के लिए क्या है, अक्वेरियस देखो फ्रेंडशिप का साइन है, इलेवन नंबर साइन है, ठीक है, ये इलेवन नंबर साइन है, इलेवन नंबर साइन है और फ्रेंडशिप का साइन है, ठीक है। आप अपूर्वा जी अगेन एक चार्ट बॉक्स वैसा डायमंड वाला बनाइए और उसमें इलेवन नंबर फर्स्ट में लिखिए, फिर वहां से देखिए थ्री नंबर कहाँ पे बैठेगा, 12 के आगे आपको वन शुरू कर देना है, ठीक है, थ्री फिफ्थ नंबर देखिए हाउस में। फिफ्थ हाउस में बैठ रहा है, हाँ ठीक है। अब बताओ कि क्या है फिफ्थ हाउस जेमिनाई क्या है। इनका बेसिकली इनका पूरा एरिया जो फोकस, इनके स्किल्स वो फेम के लिए चाहते हैं ये लोग। ये जो भी कम्युनिकेशन करेंगे फेम के लिए करेंगे, इनको बिल्कुल शो ऑफ करना है। इनकी बिल्कुल स्टडी भी फेम के लिए होगी, मतलब इनको स्टडी करनी है तो फेम के लिए, जिससे इनका फेम हो सके। हाँ ठीक है। और और इनका फोकस, स्पेकुलेशन में भी जाते हैं ये और ना लोग, गैम्बलिंग अब भी होता है। सेवेंथ हाउस में लियो भी जा रहा है, सो हाँ उनको पावर भी चाहिए लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है ना, ये पार्टी है, मैंने पहले बताया था कि अक्वेरियस जो है पार्टी है, पार्टी है। हाँ और फ्रेंडशिप का भी साइन है, लाइक 11 नंबर साइन इज जस्ट अपोजिट टू 5 नंबर, हाँ लियो के जस्ट अपोजिट में, तो लियो के जस्ट अपोजिट, इसकी सारी चेष्टा है लियो की तरफ, मतलब सारी जर्नी जो है लियो के लिए है, अक्वेरियस को चाहिए क्या, लियो, ठीक है। तो इसको ना ये पॉलिटिकल है, इसको पार्टी चाहिए, इसको यूनियन चाहिए, इसको पोजीशन चाहिए, ठीक है, तो क्यूरियोसिटी भी उसी में, तो ये वही है ये मोदी वाले की, मोदी ये किया मोदी वो किया, ये सरकार में ये हो रहा है ना, ये कर रहा है, इनसे यही बातें करा लो, ये आपकी सुनेंगे नहीं, ये पॉलिटिकल व्यूज सुनेंगे नहीं आपकी, अक्वेरियस आपकी पॉलिटिकल व्यूज नहीं सुन सकता है, क्यों, क्योंकि इसे, इसने तो खुद रिसर्च करके बैठी है ना, उस बैठा है ये व्यक्ति उसके लिए, तो इसको वही जानना है, वही उसको सुनना है और अपना बताना है, ठीक है। तो अक्वेरियस समझ में आ रहा है, तो और साथ ही साथ ही इज फ्रेंड टू ऑल, अक्वेरियस इज अ वेरी गुड फ्रेंड,
सबका दोस्त है, ठीक है, सबका दोस्त है। तो दोस्त है, देखो पिक्चर लाइक फिफ्थ हाउस ना इज द हाउस ऑफ पिक्चर्स लाइक मूवीज, ठीक है। तो आप फ्रेंड से लाइक फ्रेंड से क्या बात करते हो, आप मूवीज से रिलेटेड कुछ बात करोगे, कुछ भी ऐसा बात करोगे जो कि ना जनरल टॉपिक हो, सामाजिक टॉपिक हो, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बात करता है क्योंकि जेमिनी नेचुरली फिफ्थ हाउस में क्या है, आप देखिए समाज का साइन फोर्थ हाउस है कैंसर। तो जो भी चीजें सेकेंड हाउस में होगी, समाज से सेकेंड हाउस क्या होगा, फोर्थ हाउस से सेकेंड हाउस लियो बनेगा ना। जनरल पब्लिक का जो भी व्यूज ओपिनियन जो भी रिलेटेड टू जनरल पब्लिक होगा वो फिफ्थ हाउस में आएगा। इवन इफ की सन है, सन सबके लिए है क्योंकि लियो का साइन सन का है, सन सबके बारे में बातें हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक जनरल व्यूज के बारे में आपको बहुत अच्छे चीजें ये बात करता है। तो ये वही है जो ना बैठक लगाता है, ठीक है, ये बैठक लगाएगा और समाज की सेवा तो बिल्कुल करेगा, वो भी है, लेकिन वो आऊंगा उस पे आऊंगा, समाज के लिए वो समाज की सेवा तो करेगा ही करेगा क्योंकि समाज का जो साइन है सिक्स हाउस में जा रहा है। लियो ऑलरेडी कैंसर का साइन सिक्स हाउस में है, सेवा का उसमें जुड़ रहा है, ठीक है। तो सामाजिक सेवा ऑटोमेटिकली बन रहा है। तो समाज सेवा इससे नहीं बन रहा है कि जेमिनी सिक्स हाउस में, ये देखो कि समाज सेवा इसलिए बन रहा है क्योंकि समाज का साइन सिक्स हाउस में बैठा है। हाँ जी, उसी के बेस पे बोला सर। हाँ जी, ठीक है। तो अभी तुम्हें ना मैं वो इंग्रेडिएंट्स दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक जो साइन के बारे में अपने क्वालिटीज पढ़ी थी कभी बचपन में, आज वो साइन सिर्फ अपने साइन की वजह से वैसा क्वालिटी नहीं है, वो जेमिनी की वजह से भी है, वो कैंसर की वजह से भी है, वो लियो के सेवेंथ हाउस की प्लेसमेंट की वजह से भी है, एरीज के प्लेसमेंट की वजह से भी है, ठीक है। इसीलिए ये लियो लग्ना टपर टपर बोलता है, लियो एक्वेरियस लग्ना टपर टपर बोलता है, क्यों, क्योंकि एरीज का साइन थर्ड हाउस में। फोकस ये पूरा बात करने का कि मैं इससे कैसे एक टॉपिक छेड़ लूं, मैं कैसे इससे कन्वर्सेशन छेड़ लूं ताकि मैं उसमें जीत जाऊं। एक्वेरियस को बहुत मुश्किल है हारा पाना एक कोई कन्वर्सेशन में, आर्ग्यूमेंट्स में, क्यों, क्योंकि एरीज का साइन ना जीतने का, फाइट करने का साइन जो है वो आपको कहां मिला है, थर्ड हाउस में मिला है। तो एक्वेरियस तो आपको बहस में जीतने ही नहीं देगा, उसके पास बहुत वाइड रेंज ऑफ क्यूरियोसिटी है जो कि लियो में मिली हुई है। और लियो की क्यूरियोसिटी से उसने बहुत सारे कुछ टॉपिक फंडामेंटल जान रखे हैं। लेकिन देखो एक बात याद रखना, एक्वेरियस में छेद है, छेद कैसे है, एक्वेरियस में छेद ऐसे है क्योंकि ना इस एक्वेरियस वो बंदा है जिसने शॉर्ट कोर्सेज कर रखे हैं हर उस स्ट्रीम में। क्योंकि जेमिनी ना, जेमिनी शॉर्ट कोर्सेज है, जेमिनी लियो से मिल जाएगा, जेमिनी फिफ्थ हाउस एजुकेशन से मिलेगा, तो एक्वेरियस डू शॉर्ट कोर्सेज, एक एक दूसरे का शॉर्ट कोर्सेज कर लिया, ठीक है, कुछ कुछ की चीजें पढ़ ली, कुछ कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए और उससे इसका बेस बना हुआ है नॉलेज का। इसीलिए आप इनको ये हर टॉपिक में मिलेंगे आपको, इसीलिए तो इनके सारे हर प्रकार के दोस्त हो सकते हैं ना इनके, तो एक्वेरियस का दोस्त हर प्रकार का हो सकता है, क्यों, क्योंकि भाई इसको हर फील्ड में इसको नॉलेज है। ये डॉक्टर वालों से जाएगा डॉक्टरी की बात कर लेगा, ये पुलिस वालों के साथ जाएगा उनसे उनके टॉपिक पर छेड़ लेगा, ठीक है। तभी तो दोस्त बनोगे सबके, कैसे बनोगे तुम ये बताओ, तुम खुद लॉजिकली सोचो कि तुम सबके दोस्त कैसे हो सकते हो, लाइक सब लोग तुम्हें पसंद करें ऐसा कैसे हो सकता है, थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जेमिनी इंपॉर्टेंट है और ये एक्वेरियस इसलिए क्यों कर रहा है, ताकि इसको पावर मिल जाए, इसको पोजीशन मिल जाए, ये पार्टी बना ले, ये यूनियन बना ले, चीजें इकट्ठा कर ले लोगों को अपने सेम विचारधारा से इकट्ठा करके, ये लियो पा जाए, लियो पाने की चेष्टा, क्योंकि यही वो पार्ट है जिसको लगता है कि अधूरा है मेरे अंदर में, समझ रहे हो, एक्वेरियस देख पा रहे हो, एक्वेरियस को दूसरे साइन से देख पा रहे हो कि नहीं, यस, ठीक है। उसके बाद लास्ट साइन जो है पाइसिस का है, पाइसिस के लिए जेमिनी कहाँ मिला हुआ है, फोर्थ हाउस में है ना, बताओ फोर्थ हाउस में जेमिनी क्या करेगा, सो कार का पैशन होएगा, कार वार के बारे में बात करेगा, प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा, और घर परिवार मन की शांति के लिए भी बात कर सकता है, फोर्थ हाउस मेंटल पीस भी है। अरविंद जी बोलेंगे कुछ, अरविंद जी बोलिए। ये मासेस के बारे में काफी इंटरेस्टेड रहेगा,
उसको अपना नेम चाहिए आई थिंक पाइसिस में. पाइसिस को नेम चाहिए. पाइसिस का जर्नी किधर है? टुवर्ड्स वर्गो. वर्गो में वर्गो है. नहीं वैसे वो ना बड़ा शांत इंसान है और वो शायद वर्गो में तो वो क्रिटिकल होते हैं ना वर्गो आर वेरी सो मे बी वो चाहता है कि मैं भी ब्लैक एंड व्हाइट कर पाऊं चीजों को इवेंचुअली. और सोचो जेमिनी फोर्थ हाउस सोचो क्या करना चाह रहा है. पाइसेस मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा है. पाइसिस सोचो पहले. पाइसिस सोचो कि पाइसिस दिख पाइसिस कैसा सोच मतलब पाइसिस पहले समझाया ना मैंने पाइसिस कैसा है. पाइसिस कलाकार का साइन है ना. पोएट्स का साइन. पोएट का साइन है. हाँ मेरे को जॉब पे काफी जॉब एंड सर्विस पे काफी. हाँ जॉब एंड सर्विस. अच्छा बहुत ही लिबरल इंसान है एकदम ही. वो फ्री माइंड से रहता है और वो इवेंचुअली चाहता है कि मैं किसी प्रॉपर जॉब में आ जाऊं. मतलब जैसे बाकी लोग जी रहे हैं एक सिंपल जॉब कर रहे हैं मैं वैसे करने लगा. आप सही पकड़े हैं. आप सही पकड़े हैं. ये नॉर्मल ना नॉर्मल आदमी की तरह जीना चाहता है. पाइसेस पाइसेस चाहता है कि मेरी सुबह से छह ना सुबह नौ से पांच से चार की नौकरी हो. हाँ हाँ बस इसकी ख्वाहिश यही है. यही इसका है जो अधूरा है. ठीक है लेकिन लेकिन मिला क्या है. देखो जेमिनाई का साइन ना जेमिनाई देखो फोर्थ हाउस में मिला है तो स्किल्स का साइन जो है वो इमोशन से चल रहा है. हाँ ठीक है तो यही तो है जो कलाकार है लाइक जो जो लिखेंगे कविताएं लिखेंगे नेचर के ऊपर कविताएं लिखते क्यों क्योंकि इमोशनल साइन में क्यूरियोसिटी लगी हुई है. ठीक है तो नेचुरली जो इनका बिहेवियर पैटर्न है सुकून तो इसी में मिलता है ना. सुकून किस में मिल रहा है. सुकून मिल रहा है अपना स्किल करने में अपनी आर्ट्स करने में अपना पेंट्स करने में उसमें बड़ा सुकून लग रहा है क्योंकि जेमिनी का साइन है क्यूरियोसिटी स्किल है इमोशनल स्किल्स है. ठीक है यही में मजा आ रहा है. तो देख तो समझ रहे ना कि वर्गो लाइक जो सेवेंथ का जर्नी है और जेमिनी का वो पार्ट है दोनों चीज अंडरस्टैंड करो कि पाइसिस को ये चाहिए और ये चीज उसकी कमी है और वो ये इस तरीके से करता है. जेमिनी स्किल्स फोर्थ हाउस इज लाइक फोर्थ हाउस इज प्रॉपर्टी तो इसको सारा इंफॉर्मेशन है अपने से ना लाइक इससे पूछोगे ना कि कौन से जगह लाइक तुम जहां रह रहे हो वहां पे इस प्रॉपर्टी का रेट क्या है चट से बताएगी. ये चल रहा है यहाँ पे इतने के ये लैंड है इतने के ये है ये है ये वही है ये प्रॉपर्टी डीलर्स है. क्यों क्योंकि देखो रिसोर्स के साइन में क्या है मार्स का साइन है रिसोर्स लाइक रिसोर्स के हाउस में ना रिसोर्स एरीज है. एरीज है. एरीज कैसे रिसोर्स बनाएगा. एरीज ठोस रिसोर्स बनाएगा. ठोस ठीक है ठोस रिसोर्स चाहिए इसको ना लाइक ना जो जिसका रियल स्टेट मार्स जैसे चीजें ठीक है हार्ड ऑब्जेक्ट्स ठीक है इरीज जैसे ऑब्जेक्ट ठोको पीटो लाइक इनके घर के पाइसिस के घर के बर्तन भी नहीं लाइक ऊपर छत से दो छत से फेंक दो नहीं टूटेगा. इनको ऐसे ही बर्तन चाहिए लाइक मार्स टॉरस में मार्स सेकेंड हाउस में इनको ऐसे ही बर्तन वो चाहिए कि कहीं से भी फेंक दो ना कुछ नहीं हो उसको एकदम ठोस टिकाऊ बढ़िया चलना चाहिए. ठीक है वैसा टाइप का क्यों मार्स का ठोस टिकाऊ तो इनको प्रॉपर्टी में चाहिए. ठीक है पाइसिस इज ऑलवेज डीलिंग इन प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट. ठीक है और नेचुरली एक वो भी मिला हुआ है जेमिनी का साइन क्यूरियोसिटी का हाउस मिला हुआ है. तो ये आप से नहीं सुनेंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ पे क्या है. ये जस्ट अपना जाएंगे देखेंगे उसको एनालाइज करेंगे कि क्या है इसका है कैसी है ये. ठीक है ठीक है इस तरीके से आपने हर साइन से ना देख लिया कि हर साइन से जेमिनी कैसे है. तो जेमिनी इसीलिए बोला शस्त्र भी है यही आपका शस्त्र है. ये भी बोला जेमिनी आप टाइम के साथ डेवलप करते हैं. ठीक है ये कभी भी आपको मिलती नहीं है लाइक आपका आवाज आपको मिला हुआ है. ठीक है आप जिस तरीके से आपका वॉइस वोकल कॉर्ड है भारी आवाज पतली आवाज मीठी आवाज कड़वी आवाज लेकिन शब्द जेमिनी है. शब्द आप सीखते हैं. आप अमेरिका में पैदा हुए हो तो अमेरिकन सीखोगे. आप इंडिया में पैदा हुआ तो इंडियन एक्सेंट सीखोगे. इसलिए इट्स अ हाउस ऑफ एक्सेंट्स. जेमिनी इज द हाउस ऑफ एक्सेंट्स. ठीक है तो जेमिनी में राहु हो जेमिनी में फॉरेन एक्सेंट्स आ जाता है बहुत इजीली फॉरेन
एक्सेंट पकड़ लेता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है, या फॉरेन एक्सेंट नहीं पकड़ता है तो कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चीजों में इजिली उसका वो हो जाएगा, ठीक है, राहु के नेचर की वजह से। जेमिनाई सीढ़ियां है, ठीक है, घर की सीढ़ियां है, ठीक है, जेमिनाई जहां पे भी जा रहा है, जैसा भी हाउस, जैसा भी प्लेसमेंट है, उस तरह का ऑब्जेक्ट आप सीढ़ियों के नीचे रख लोगे जब भी जेमिनाई खराब होने का सिचुएशन आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जेमिनाई ना, जेमिनाई फ्रेश विचारों का एक केंद्र है आपके लिए, फ्रेश विचारों का, फ्रेश न्यू थिंग्स है। ये याद रखना, जेमिनाई इज द साइन ऑफ लाइफ, जेमिनाई इज द साइन ऑफ स्माइल, मुस्कुराहट का साइन है ये, ठीक है। तो किसी की मुस्कुराहट कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, ये आप जेमिनाई से देख के बता सकते हो कि वो स्माइल करने के बाद अच्छा दिखता है कि नहीं। अरे बिल्कुल हंसना चाहिए, क्यों नहीं हंसना चाहिए, सब दिखा रहे हैं ना सर, बताओ आप सर हमारा जेमिनी क्या है। अब जाने आपको, अब बताओ। बिल्कुल जाना जा सकता है जेमिनी देख करके, किसी का स्माइल देख करके ना बहुत कुछ जाना जा सकता है, बट स्माइल आएगी नहीं ना, स्माइल देख के नहीं बताया जा सकता, चेहरा देख के बताया जा सकता है। तुम्हारा जेमिनी कहां पिटा नहीं, तुम्हारा मुंह उतरा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में एक विचार है जो कि ना रोटेट करे जा रहा है, अब तुम ना जीवन नहीं देख पाओगे, ठीक है। याद रखो टॉरस का साइन पीछे है, टॉरस आंखें हैं, आंखें में तुम रिस्पॉन्ड करते थे, कोई भी चीज देखते थे उसको रिस्पॉन्ड करते थे, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने के बाद इंटरनली जो आपका दिमाग है, ब्रेन, उसको कैसे कैप्चर करता है और उसे क्या एक्सप्रेस करते हो आप, इज द साइन ऑफ एक्सप्रेशन, आप उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे वो आपके चेहरे पे आएगा, ठीक है। जब आपके दिमाग, आपने कोई ऐसी चीज देख ली है जो कि ना खराब है, गंदी है, या नहीं आपको अच्छा लगा, हाउ विल योर एक्सप्रेशन बी, आपकी विचारधारा कैसे होंगे, आप मुस्कुरा सकते हैं? किसी का डेथ देख करके आप मुस्कुरा सकते हैं क्या? नहीं मुस्कुरा सकते ना, क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे, जैसे ही ना टॉरस में कुछ आपने देखा, उसका रिस्पॉन्स कहाँ आएगा, टॉरस का सारा रिस्पॉन्स जो भी देख रहे हो उसका रिस्पॉन्स जेमिनाई में आएगा। तो जो बंदा, अगर उसके विचार अच्छे हैं तो चेहरा तो चमकता हुआ होगा ही होगा, विचार इन द सेंस कि जो अच्छी चीजें सुन रहा है, अच्छी चीजें देख रहा है, अच्छी चीजें मतलब अच्छी चीजों पे रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, अच्छी चीजें सुन करके, देख करके। आप दिन भर देख ही रहे हो झगड़ा, क्राइम पेट्रोल देख ही रहे हो, तो तुम्हारा चेहरा तो जाने वाला है, गया जेमिनाई, ये मकर राशि ही है ना, क्राइम पेट्रोल बहुत पसंद है, अरे पूछो मत बाबा रे बाबा। दिन भर सीआईडी लगा हुआ है, ठीक है, किसने दया, किसने वो सब चालू है। तो भाई साहब, आप जब अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ठीक करना चाहते हो तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर टॉरस, कि आप देख क्या रहे हो, ठीक है। आपका टॉरस ठीक नहीं होगा जब, तो आपको विचार ऐसे ही आएंगे जो कि जेमिनाई खराब करेंगे, आपका शकल उतरा हुआ होगा, शकल उतर जाएगी, शकल पे ही लिखा है, स्माइल का जरूरत नहीं है, स्माइल तो रिएक्शन है कि तुरंत मुस्कुराहट आ जाएगी, अच्छी चीजें देखते रहोगे, सुनते रहोगे तो मुस्कुराते ही रहोगे, ठीक है, अच्छे विचार रहेंगे तो मुस्कुराते ही रहोगे ना, ठीक है, समझ। अब मैं थोड़ा एडवांस पे चढ़ना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जेमिनी समझा दिया, प्रिडिक्शन वाला लेवल समझा दिया है, एडवांस चीजें हैं, इट्स अ साइन ऑफ लाइफ दैट इज विदाउट फियर, जेमिनाई में फियर नहीं है, ठीक है, छह आठ का रिलेशनशिप है स्कॉर्पियो से। तो जब भी जेमिनाई का टाइम आएगा ना, यू विल बी हैप्पी, इतना अच्छा समय है, लाइक ना जेमिनाई का हाउस एक्टिवेट होने वाला है, अभी अच्छा समय आने वाला है, एंजॉय फन, एंजॉय स्किल सीखो अपना, लाइक आप खुशी खुश हो गए तभी तो अपना स्किल पे काम करोगे, खुश नहीं हो तो स्किल पे काम ही नहीं होगा। आपके ऊपर कोई बर्डन है, आपके ऊपर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप स्किल गया, सबसे पहला जाने वाला स्किल है, चेहरा उतर जाएगा, स्किल चला जाएगा, मुस्कुराहट चली जाएगी। देखिए, इट्स दैट्स द पावर ऑफ जेमिनी।
जेमिनी इज द साइन ऑफ लाइफ, लाइफ का साइन है ये, जीवन है ये, इसीलिए ये इज द साइन ऑफ ना फूल, फ्लावर्स बनाता है जेमिनी, ठीक है, फ्लावर्स है। टॉरस में तुम्हें वो मिलेगा, गेहूं मिलेगा, अनाज मिलेगा, खाने खाद्य पदार्थ मिलेंगे जिससे मिल जाए, वो फूल पौधे मिलेंगे, वो पत्ते मिलेंगे, मतलब इन द सेंस वो पत्ते मिलेंगे, लेकिन जेमिनी में ना फूल मिलेंगे तुम्हें। तो जेमिनी 12th हाउस में हो तो घर के छत पे फूल लगाइए, ठीक है। जेमिनी खराब हो रहा हो तो आप टॉरस को ठीक करना शुरू कीजिए, स्टार्ट वॉचिंग दोट कंटेंट जो कि आपका जेमिनी ठीक करे, ताकि आप रिस्पॉन्ड अच्छा खुश रहे उस चीज से, फीलिंग से, ठीक है। जेमिनी मतलब जेमिनी डिप्रेशन से बाहर लाता है जेमिनी, क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो से इसमें है, एट्थ में, तो स्कॉर्पियो को खत्म करने वाला ये साइन है। याद रखो, ये स्कॉर्पियो मरण है तो जेमिनी जीवन है, इसीलिए जेमिनी में संस्कार आएंगे, जन्म संस्कार आते हैं इसमें, ठीक है। तो किसी का लाइक मार्स राहु का कॉम्बिनेशन जेमिनी थर्ड हाउस में था, जेमिनी नहीं, थर्ड हाउस में मार्स राहु का कॉम्बिनेशन था, तो मैंने लाइक मार्स राहु नहीं था, ओके मार्स राहु था विथ मकरी, मार्स राहु मकरी, ठीक है। तो उस मैंने पूछा कि आपके जब आपका बच्चा का जब जन्म वो हो रहा था, मुंडन हो रहा था, उस टाइम पे दो मुंडन वाले आ गए थे ना, उसके बीच में डिस्प्यूट हुआ था, तो बोले हाँ हुआ था। तो मार्स ना बार्बर बनाता है, ठीक है, अच्छा, मार्स बार्बर है, मरकरी के साथ कंजंक्ट हो गया है, तो मल्टीपल बार्बर्स, और राहु का इन्फ्लुएंस है वहां पे, तो इश्यूज और वो सारी चीजें कि कुछ तो वहां पे हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपके जन्म संस्कार के ड्यूरेशन में जब मुंडन का टाइम आएगा, उस ड्यूरेशन में आपका दो हो जाएंगे और उनमें फाइट है। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग मुंडन कराने गए थे तो हम कोई फला फला देवी के मंदिर जा रहे थे, तो हम अपना बार्बर लेके गए थे, लेकिन वहां पे दूसरा बार्बर पहुंच गया जो कि वहीं का लोकल था, तो ही वॉज फाइटिंग कि ना मेरे को करना है, मेरे को नहीं कर, वो या बाहर वाला नहीं कर सकता है, सेम कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी थर्ड हाउस में प्लैनेट है वो आपके सबकॉन्शियस लाइक वो बताएगा कि आप जीवन में कैसे अच्छा थर्ड हाउस, एग्जॉल्टेड थर्ड हाउस, आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करने का, अच्छे विचार पाने का, अच्छा चीज बोलने का, लाइक आप अच्छा ही जो चीज देखोगे वही तो बोलोगे। सर एक बात बोलूं, सर मैंने थर्ड हाउस में मार्स और राहु देखे हैं और दो तीन लोगों का मैंने पूछा भी, तो उनको ना जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी हाथ में जो पार लगती है वो वाले स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जोन लेवल के और वैसे लेवल के स्पोर्ट्समैन होते हैं सर वो। मार्स जाएगा तो करता है ये स्किल्स, ये सारी चीजें जेमिनी में देता है, करेजियस बनाता है ना, तो डर के बिना, खेल का है, क्रीडा है, ठीक है। सर मुंडन आपने क्यों बोला इसमें, सर मुंडन में फाइट हुई होगी बार्बर, बार्बर मार्स ना, मार्स बार्बर है, ठीक है वो, ठीक है। तो ठीक है सर, तो जन्म संस्कार में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मून हो, हाँ मुंडन बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मून होगा तो जो खाना बांटा जाता है उसमें प्रॉब्लम होगी, मून का साइन है या मून है, ठीक है। मार्स है तो बार्बर है, ठीक है, तो इसलिए मुंडन के संस्कार में होगा वो इश्यू, मार्स पे राहु का इफेक्ट है, मुंडन के सरकार में संस्कार में होगा, ठीक है। बृहस्पति है तो बृहस्पति विल बी लाइक कि पंडित जी का जो भी प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो भी रिलेटेड टू पंडित जी होगा वहां पे इश्यू होगा, ठीक है। मरकरी है तो समथिंग रिगार्डिंग किन्नर की, जन्म संस्कार के बाद किन्नर आए होंगे, किन्नर का इश्यू हुआ होगा, या किन्नर नहीं आए होंगे, पैसे नहीं मांगे होंगे, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से मैं पिक्चर बना रहा हूँ वहां पे थर्ड हाउस में, ठीक है, ठीक है सर। तो इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट ना एट्थ हाउस का भी है, मरण संस्कार में, ठीक है, मरण संस्कार में, लाइक किसी सेम कॉम्बिनेशन में था, मार्स राहु वाज इन दिस स्कॉर्पियो, नहीं, एट्थ हाउस में मार्स राहु था, उसमें बैठा हुआ था अक्वेरियस का साइन, ठीक है, अक्वेरियस का साइन था, ठीक है। ये बच्चे का कुंडली देख रहा हूं मैं, ठीक है, बच्चे का कुंडली देख रहा हूं मैं, मार्स राहु अक्वेरियस के साइन में होकर के एट्थ हाउस में बैठा हुआ है। मैं को फादर ने क्वेश्चन
पूछा है अपने इनकम के बारे में, अपने सैलरी के बारे में, अपने उनके बारे में, लाइक ना फाइनेंसेस के बारे में. तो मैं क्या देख रहा हूँ, जब जल्दी से कैंसर लगना बनाओ, जल्दी से कैंसर लगना बनाओ. मार्स राहु 8000 में बैठा हो एक्वेरियस के साइन में, ठीक है. मार्स देखो किसका लॉर्ड है, माइक ऑन करके बोलना होता है. टेंथ हाउस का नहीं, इलेवेंथ का है. नहीं सॉरी, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. टेंथ एंड फिफ्थ का लॉर्ड है. मार्स राहु में है एक्वेरियस के साइन में. मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है. प्रिडिक्ट समथिंग अबाउट फादर्स इनकम, लाइक फादर का क्या है, क्या सीन है फादर का. अब मैं एक और चीज बता दूं, द हाउस एक्टिवेट, जिस समय ये ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउस एक्टिवेटेड इज सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस एक्टिवेटेड है जब ये सवाल में से पूछ रहा है. पर एट हाउस में मतलब एक्वेरियस में तो फादर एंड लॉ हो जाएगा ना, फादर का इनकम क्यों आएगा यहाँ पे, फादर एंड लॉ का आएगा. फादर एंड लॉ का इनकम, अच्छा. नहीं नहीं मेरे को ना ये बच्चे का कुंडली मिला है. अच्छा, बच्चे का कुंडली मिला हुआ है. बच्चे के पिताजी पूछ रहे हैं कि मेरा इनकम का स्टेटस बताओ, मेरे को कुछ अच्छा. बताओ मेरे सैलरी और सब के बारे में, ठीक है. तो अभी प्रेडिक्ट कैंसर बना लो. कैंसर के लिए बनाने के लिए फर्स्ट बॉक्स में चार नंबर लिखना पड़ेगा. उससे तुम मूव करते एक्वेरियस आओगे, तो एक्वेरियस 11 नंबर है. 11 नंबर एट हाउस में बनाओगे तुम. तो क्या क्वेश्चन था उनका? मेरा पैसा के बारे में है क्वेश्चन, मनी के रिलेटेड है, उनके खुद के मनी के रिलेटेड. बताओ कुछ तो बताओ इसके बारे में. प्लैनेट प्लेसमेंट बताना है इसका. सिर्फ मार्स राहु बताया है मैंने आपको, इतना ही. हाँ, मार्स राहु 8th हाउस में, इतना ही जानना उपयुक्त है. एक और चीज जानना जरूरी है कि जब ये जातक सवाल पूछ रहा है तो इसका सेकंड हाउस एक्टिवेट, एक बच्चे का सेकंड हाउस एक्टिवेटेड है, बच्चे के कुंडली का सेकंड हाउस एक्टिवेटेड है. नाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट. क्या सोच पा रहे हो? पहली बात देखो, हाउस एक्टिवेशन देखो, फोकस वहां देखो कि ये फादर से हाउस कौन सा एक्टिवेटेड है. फादर से 12th एक्टिवेटेड है. लियो एक्टिवेटेड है ना, बच्चे से. अच्छा, हाँ 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 ठीक है. हाँ, फादर से 6th हाउस एक्टिवेटेड है. और उसका वो 8th में जा रहा है, उसका मतलब लाइक तो फादर को लोन का प्रॉब्लम है ना. फादर से 6th हाउस एक्टिवेटेड होगा तो फादर को कर्जे का प्रॉब्लम है, केतु है वहां पे. केतु है. बस इतना क्लियर है कि नहीं. इस साल में फादर लाइक फादर से 6th हाउस एक्टिवेटेड, फादर को कर्जे का प्रॉब्लम होएगा. सिंपल. नाउ लुक एट फादर सेकेंड हाउस. अब फादर का सेकेंड हाउस देखो कि कारण कहाँ है. फादर के सेकेंड हाउस में क्या है? एरीज है. एरीज का साइन है. मार्स कहाँ गया? एट हाउस में गया है. व्हाट इज 8th हाउस फ्रॉम फादर्स हाउस? 12th हाउस. तो मतलब पैसा जो स्टोर्ड वेल्थ है, सेकेंड हाउस इज स्टोर्ड वेल्थ, वो उनके हाउस से 12th में है. लॉस हो रही है. हाँ. कुंडली मत घुमाना, लाइक ना ऐसे ही देखना, लाइक 8th हाउस से ही समझना कि 8th हाउस में जा रहा है. कुंडली घुमा के देखने वालों की आदत पड़ गई होगी कि ना तुरंत पाइसेस को लगन बना लो और वो सब देखो शुरू करो, वो बाद में करेंगे. पहले जहां बैठा हुआ 9th हाउस से 8th हाउस, लाइक इज द 12th फॉर फादर. एरीज इज द साइन ऑफ सेकेंड हाउस जो कि फादर से, उनका वेल्थ कहां गया है? 12th हाउस. अच्छा, मार्स कौन है? भाई. भाई और आपके लीनेज नो फ्रेंड्स ओके. सबसे करीबी मार्स फ्रेंड्स है. अच्छा, मार्स अच्छे फ्रेंड्स देता है, ठीक है. तो मार्स, तो स्टोरी ये है
कि भाई साहब के पैसे ना इनके दो इन्होंने दे दिए उधार में दोस्तों को, दोस्तों ने वापस नहीं किया है अभी तक, ठीक है, दिस इज द स्टोरी लाइन, ठीक है, यही उन्होंने स्टोरी बताई है। अब यहां से प्रेडिक्शन चालू करना है, यहां से इसका कारण पता करना है कि दिक्कत क्या है, ठीक है, यहां से समझना है। तो एट्थ हाउस में है बच्चे को मिला है ना, बच्चे के जन्म कुंडली में एट्थ हाउस में मंगल राहु मिला है, मार्स बार्बर है, राहु इज सम ऑड सिचुएशंस, एट्थ हाउस में बार्बर का संस्कार मुंडन संस्कार बनाया, ठीक है। मैंने पूछा इसको कि फर्स्ट पहले पूछा कि मैंने बोला कि देखो आपके फादर की फैमिली में डिड समबडी डाइड सडनली, अचानक से उसका मौत हो गया, ठीक है, इससे पहले भी हम लोग मार्स राहु कर चुके हैं स्कॉर्पियो में, ठीक है, तो ये तो तुमको बिल्कुल तुरंत आना चाहिए कि मार्स राहु ना अगर अष्टम में मिला है तो अगेन कोई सडनली डेथ होगा। तो बोले हाँ हुआ है, ठीक है, क्यों, स्कॉर्पियो देखो, स्कॉर्पियो नाइन्थ हाउस में मिला है, स्कॉर्पियो नाइन्थ हाउस में मिला है ना, इस बच्चे को स्कॉर्पियो नाइन्थ हाउस में, तो दादाजी, बच्चे के दादाजी, ठीक है, इस बच्चे को स्कॉर्पियो तो फिफ्थ हाउस में मिला है, सॉरी हाँ फिफ्थ हाउस में मिला है ना, नहीं इसको मिला है लेकिन दादा दादाजी इस फादर का फादर ना, फादर का फादर ठीक है, हाँ, वो तो दादाजी है, हाँ समबडी लाइक जो फादर की फैमिली को, क्यों, क्योंकि ना एरीज का साइन भी देखो फादर की फैमिली पे है और स्कॉर्पियो भी दादाजी के साथ में आ रहा है, ठीक है, समबडी समबडी इन फादर्स फैमिली ही है ये मार्स, उससे इर्द गिर्द नहीं है, हाँ हाँ, तो यही बोलना है मैंने कि somebody इस बच्चे के ना कोई लाइक आपके फैमिली में लाइक आपके पिताजी के खानदान में किसी का ना अचानक से डेथ हुआ है, ठीक है, उस टाइम का इवेंट है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल हमारे लाइक हमारे चाचा जी थे उनका लाइक उनको सडनली हार्ट अटैक आया डेथ, ठीक, तो हुआ। फिर मैंने पूछा कि अच्छा उसमें उनके लाइक मुंडन संस्कार में क्या हुआ, लाइक जब वो क्रिया कराते हैं तो वहां पे बाल मुड़वाते हैं, तो डिड समथिंग हैपन इन दैट एरिया, तो ही सेड कि अरे सर पूछे मत, उसमें क्या हुआ था कि ना जो नाई था उनके जाति का नहीं था, सी मार्स राहु डिफरेंट उसका हो गया, बार बार कैसा मिलेगा डिफरेंट जाति का, तो उनकी जाति का नहीं था, तो व्हाट ही डिड उसने उसको भगा दिया एंड ही स्टार्टेड ना वो उन्होंने तीनों अपने भाइयों का भी और अपना तीनों का मुंडन खुद से किया। दिस इज द और उसके बाद उन्होंने वो हर संक्रांति को अपने लाइक अपना और अपने भाइयों का मुंडन करते हैं, लाइक कुछ होते हैं ना कुछ लोग के मतलब कि एवरी ईयर के रिचुअल होते हैं टाइप से, तो वो यही करते हैं। तो मैंने कहा कि देखो यही तुम्हारा प्रॉब्लम है कि ना तुम्हारा जो ये जो संस्कार वाला चीज है ना, तुम जो नाई का पैसा मार के बैठे हुए हो, यही ठीक करना है, ठीक है, जाओ या तो शमशान घाट में दौड़ो, जो नाई मिल जाए शमशान घाट वाला नाई मिल जाए, या जो या तुम्हें वही नाई मिल जाए जो जो तुमको उसको अब उस सारे मुंडन का पैसा दो, ठीक है, वो सारे मुंडन कराने का पैसा दो और उस लाइक उससे उसको एक्स्ट्रा भी दो और वापस आ जाओ, लाइक दिस इज द कार्मिक रेमेडी फॉर मार्स राहु इन एट्थ हाउस रिगार्डिंग दिस, क्योंकि अभी स्टोरी निकल के आ गई इस वजह से इजी हो गया, ठीक है। तो जैसा मैंने समझाया कि जन्म संस्कार वो है तो मरण संस्कार भी स्कॉर्पियो है, ठीक है, सिंपल था ये भी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये चीज कर पाना, ठीक है, बहुत सारी चीजें पहले के एलिमेंट से लिंक होती थी, ठीक है। अच्छा क्यों मरण संस्कार क्यों आया, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंटली ये भी समझो कि किसी भी हाउस से उसका थर्ड पेपर वर्क है, तो यहाँ पे मरण संस्कार पे ही प्रोमिनेंटली क्यों गया, कोई और इश्यूज पे नहीं गया, क्यों, क्योंकि देखो जो स्कॉर्पियो से थर्ड हाउस है वो भी तो डैम इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि जो एट्थ हाउस है इसमें एट्थ हाउस कौन सा है, अक्वेरियस का है, वहां पे मार्स बैठा है, मार्स क्या है, मार्स अक्वेरियस जो कि नेचुरल एट्थ हाउस में है वहां से थर्ड का लॉर्ड है, तो पेपर वर्क और द संस्कार ऑफ एट्थ हाउस, तो यानी कि कभी भी तुम मर संस्कार पे जा रहे हो तो क्रॉस चेक की केप्रिकॉन भी जाना चाहिए, मतलब केप्रिकॉन भी इन्वॉल्व हो, स्कॉर्पियो के साथ केप्रिकॉन इन्वॉल्व हो, ऐसे नहीं सीधा बोल देना कि मतलब किसी का भी मार्स राहु हो तो वो उसी का इशू है, लाइक ना सबका संस्कार का इशू नहीं,
जब तक वहां से थर्ड भी इन्वॉल्व, लाइक जन्म संस्कार पे जा रहे हो तो देखो लगन लॉर्ड इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, जन्म संस्कार है ना, तो लगन तो जन्म, जन्म देने के लिए लगन भी तो इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, नामकरण संस्कार है तो नाम के लिए तो लगन भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वहां से थर्ड में जब प्लैनेट बैठ रहा है तो उसका संस्कार में इशू है, उस प्रोसेस, उस पेपर वर्क में इशू है, ठीक है। तो एट्थ स्कॉर्पियो एट्थ हाउस जब भी कैप्रिकॉर्न से लिंक कर रहा है तो उस संस्कार में इशू आएगा, ठीक है, ठीक है, मैलेफिक्स इन्वॉल्व हो। तो इस केस में टेंथ हाउस भी इन्वॉल्व था और एट्थ हाउस इन्वॉल्व था, दैट इज व्हाई आई वेंट सीधा टू संस्कार। तो शादी का संस्कार कौन सा है अब बताओ? नाइन्थ हाउस। अरविंद जी, अरविंद जी भी बताएंगे कुछ, मैं चाहता हूँ कोई कुछ अरविंद जी बोले, बोलते रहे इसमें, क्यों? क्योंकि मैं आपका सैटर्न मूव कराना चाहता हूँ ना, जितना आप बोलेंगे आपका सैटर्न हिलता रहेगा, उसको वो उसमें मोशन आएगा। तो बोलिए अरविंद जी कि क्या है शादी का कागजी कार्रवाई किसमें आएगा? कैप्रिकॉर्न में आना चाहिए। क्यों? टेन शादी का, शादी कहाँ पे? शादी किस तो नाइन्थ में होगा, नाइन्थ हाउस में, बिल्कुल, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, ठीक है। तो सेजिटेरियस में लिब्रा और सेजिटेरियस, सेजिटेरियस इज द पेपर वर्क फॉर मैरिज। किसी का राहु देख लो सेजिटेरियस में, केतु देख लो सेजिटेरियस में, उसको मैरिज के पेपर वर्क से रिलेटेड इश्यूज है। लाइक राहु देखोगे सेजिटेरियस में तो ना ये वो है जो ना पहले लाइक ना शादी करे बिना ही लिविंग्स में रह रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप्स, मतलब लीगलाइजेशन नहीं है, लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज पे डाउट है, क्वेश्चन मार्क है। इवन इफ की सेजिटेरियस उठ करके लिब्रा में बैठ जाए, मतलब जेमिनाई लगना, मेक जेमिनाई साइन, जेमिनाई लगन बनाओ, खट से बनाओ जल्दी से, हाथ चलाना शुरू कर दो, जेमिनाई आ गया, हाथ नहीं चलाओगे ना तो कैसे काम चलेगा। मैं रुका रहा था टॉरस तक, मैं रुका रहा कि ना जेमिनाई आने दो तभी लिखवाऊंगा, चार्ट बनाओ, जेमिनाई बनाओ, सेजिटेरियस को सेवेंथ हाउस में पुट करो, ठीक है, सेजिटेरियस में सेवेंथ हाउस पे उठते, अगर केतु बैठा दूं मैं सेजिटेरियस में, तो सर का प्रेडिक्शन याद करो कि सेजिटेरियस केतु था तो सर ने बोला कि मैरिज के ट्रेडिशन में ब्रेक हुआ है। देख रहे हो, सर भी लिब्रा और सेजिटेरियस के ट्रेडिशंस वाली बातें कर रहे हैं सेजिटेरियस, क्योंकि संस्कार की बातें आ गई वहां पे, ठीक है। राहु बैठाओगे यहीं पे, जेमिनाई के साथ यहाँ राहु बैठा दो, ठीक है, सेजिटेरियस राहु, तो ये बंदा लिविंग में पहले रह रहा है शादी करने से पहले, या समथिंग इज ना, समथिंग जो है जो इसके ना वो जो शादी पहले आगे पीछे हो रही है, समथिंग लाइक दैट। लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज, मतलब सिंपल स्टेटमेंट ये है, लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज में इशू है। किसी का भी तुम नाइन्थ हाउस बर्बाद देख लो तो तुम्हें लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज में इश्यूज आए हैं, नाइन्थ हाउस इन्वॉल्व विथ राहु और समथिंग लाइक दैट, मैरिज के पेपर वर्क से रिलेटेड इश्यूज है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मैरिज नहीं हुआ है, होगा ऐसा, तब तुम तब भी बोल सकते हो जब जुपिटर लिब्रा में बैठ जाए या जुपिटर इन्वॉल्व हो जाए सेवेंथ हाउस में, ठीक है, जुपिटर राहु का कॉन्जंक्शन हो जाए या समथिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज अगेन लीगलाइजेशन, एनी काइंड ऑफ लीगलाइजेशन, ठीक है, देख पा रहे हो लीगलाइज। अभी तो तुम पेपर वर्क, हर का पेपर वर्क निकाल सकते हो ना, हर किसी चीज का पेपर वर्क कहाँ पे होगा, तो सोचो कि लियो किसका पेपर वर्क है। लियो तो जेमिनाई का ही पेपर वर्क है। अभी जेमिनाई का पेपर वर्क क्या होगा? हाँ सोचो, मतलब स्टैंपिंग, हाँ गुड, ठीक है, जेमिनाई का पेपर वर्क, ठीक है, और जेमिनाई के लिए यूज होने वाला एक वो है, बिल्कुल लियो है, स्टैंप है, बिल्कुल सही। और क्या होगा? जेमिनाई क्या है? जेमिनाई में क्या क्या आता है? जेमिनाई में सर्टिफिकेट्स आ सकते हैं, अवार्ड्स आ सकते हैं। हाँ, तो उसका जो भी पेपर वर्क होगा वो इसमें, ठीक है, तो किसी course, का अगर शॉर्ट कोर्स भी तो आ सकते हैं ना, शॉर्ट कोर्स इज जेमिनाई एज यू सेड।
ठीक है हाँ, सारे डिप्लोमास वगैरह जो इसमें आ जाएंगे, तो वो मिनी कोर्सेज जो हम बोलते हैं। तो जेमिनी में आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, जेमिनी के साइन में आइडेंटिटी कार्ड आएगा, जेमिनी के साइन में थर्ड हाउस आएगा। थर्ड हाउस इज लाइक किसी का, लियो क्या है, लियो इज लाइक पेपर वर्क फॉर योर लाइक मोबाइल फोन्स एंड ये सब चीज का लाइक बिल है, मोबाइल फोन का बिल है, ठीक है, क्योंकि जेमिनी इज कम्युनिकेशन और वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। ओके गॉट इट, कम्युनिकेशन जेमिनी सारी चीज की उसका बिल है फिफ्थ हाउस, ठीक है। तो तुम किसी का लियो बर्बाद देखो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा लाइक ना मोबाइल का चीजों का लाइक बिल्स का या समथिंग लाइक दैट इशू हुआ, लियो बर्बाद है, ठीक है। अब ये चीज ये सब ये तो बारीक चीजें से टेस्ट करने पे ही मास्टर कर पाओगे सारी चीजें। तो लियो बर्बाद है इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब लियो बर्बाद होता है ना जिनका डिस्प्ले खराब है, जैसे डिस्प्ले है जेमिनी से थर्ड है, अगर लाइक डिस्प्ले बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, ये चीज समझना कि किसी का ना लियो बर्बाद है तो उसके लाइक उसके मोबाइल फोन का डिस्प्ले खराब होगा, लाइक कैंसर का साइन देखो, कैंसर को ना नेचुरली स्कॉर्पियो का साइन कहाँ मिला हुआ है, फिफ्थ हाउस में मिला हुआ है ना, चेक उसका लैपटॉप उसका मोबाइल का डिस्प्ले खराब है, कुछ तो है उसके डिस्प्ले में ना जो खराब है, क्यों, क्योंकि उसका प्रदर्शन है ना, उसका स्क्रीन है, जेमिनी से थर्ड है ये, उस मोबाइल फोन का प्रेजेंटेशन है, उसका स्क्रीन है, जैसे आपका चेहरा लगन से आपका चेहरा है ना जेमिनी, द वे यू एक्सप्रेस एंड ऑल दैट, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, तो मोबाइल फोन का प्रेजेंटेशन कहाँ है, लियो में है ना, इसीलिए बड़ा पर्दा प्रेजेंटेशन पॉपस सारी चीजें लियो में आती है। तो केतु है किसी का फिफ्थ हाउस में, या सैटर्न है फिफ्थ हाउस में, सैटर्न फिफ्थ हाउस में तो स्क्रीन ने कुछ स्क्रीन का इशू देखो, चीजें टेस्ट करो, ठीक है। स्कॉर्पियो है तो नेचुरल है ना, केतु आया तो केतु का नेचुरल रिलेशन आया तो है स्क्रीन में तो कुछ ना इशू है, ठीक है। तो टेलीविजन में भी लाइक टेलीविजन तुम्हारा जेमिनी ही है, लियो जब बर्बाद होगा तो टेलीविजन में ना तुम्हें चीजें मिलेंगी, तुम्हें मिलेगा वो स्क्रीन में कुछ ना कुछ टूटा फूटा, ठीक है। इवन इफ की लियो उठ करके थर्ड हाउस में बैठ जाए और फिर वहां पे कोई मैलेफिक्स बैठे, लाइक लियो थर्ड हाउस में कब बैठेगा, जेमिनी के साइन में, लाइक जेमिनी लगना, ठीक है। तो जेमिनी लगना को बहुत जरूरी है कि भाई साहब इनके फोन की स्क्रीन ठीक रहे, इनका फोन का स्क्रीन चटका पुटका ना रहे, इनका फोन का जो स्क्रीन गार्ड है वहां तक वो तक चीज सही रहनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जेमिनी तो गया ही गया है, लियो भी जाएगा डिस्प्ले खराब होगा। तो हर तरफ से पेपर वर्क समझो कि हर तरफ से वो हर चीज का पेपर वर्क निकाल सकते हो तुम इस तरह से। तो स्कॉर्पियो क्या है, स्कॉर्पियो इज द पेपर वर्क फॉर डिस्प्यूट्स, कोर्ट केसेस, हाँ कोर्ट केसेस और इन सब चीजों का डिस्प्यूट है। लिब्रा क्या है, लिब्रा इज द पेपर वर्क फॉर योर स्कूल्स, स्कूलिंग एजुकेशन, किसी का लिब्रा बर्बाद होते ही उसका स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल का डिग्री, मार्कशीट इश्यूज वहां पे। अरविंद जी हंस क्यों रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, थर्ड हाउस है ना, थर्ड हाउस है उस सबका पेपर वर्क है वहां से, ठीक है। तो स्पाइसेस बर्बाद होगा तो जॉब का वो नहीं आ रहा है, जॉब का लिखित रूप से कोई वो नहीं है, स्पाइसेस बर्बाद होगा तो क्यों, कैप्रिकॉर्न से थर्ड है तो किसी का ट्वेल्थ हाउस मैलेफिक्स है, ये है वो है, टेंथ से लिंक हो रहा है, मतलब ये कभी मत कर देना कि मतलब ना सीधा देखा और वो लिंकिंग प्लैनेट आना चाहिए ना, लिंकिंग आना चाहिए कि वो रिलेशन बनना चाहिए कि फिफ्थ और सेवेंथ कनेक्टेड है तब आप जा रहे हो कि स्कूल का सर्टिफिकेट, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस है तब बोल रहे हो कि ना पेपर वर्क ऑफिस वर्क और ऑफिस का पेपर वर्क समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कैप्रिकॉर्न उठ करके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तब बोल रहे हो कि ऑफिस का पेपर वर्क, ऐसे नहीं बोल रहे हो, ठीक है। लिब्रा उठ करके थर्ड हाउस में क्या बनाएगा, वो सर्टिफिकेट्स ऑफ ये बनाएगा, ऐसे मत बोलना, ठीक है, बिना लिंक के।
दैट इज हाउ हर चीज का पेपर वर्क, हर चीज का प्रेजेंटेशन, सारी चीजें उसमें आती हैं। जेमिनाई, तो जेमिनाई अब आता हूं और एडवांस पे, मूविंग फर्दर। मेरे को वो बताना है, वो समझाना है जो शायद ही आपको कोई समझाए। जेमिनाई ना दो है, दो याद रखना, ठीक है? आज के टाइम पे डुअल फोन आने लगे हैं, लेकिन मोर देन दैट जेमिनाई इज योर लंग्स, इट्स द लंग कैपेसिटी जेमिनाई, ठीक है? और एक छोटा है लंग्स में भी, एक छोटा है। जेमिनाई का जो इमेजरी बना हुआ है वो भी दो लोग हैं जो रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं, जिनका जेंडर नहीं है लेकिन रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हुए कभी एक जेंडर दिखाया भी है, एक पुरुष एक वो बताया हुआ है। तो पुरुष और प्रकृति है, वो पुरुष और प्रकृति दोनों एक साथ खेलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जेमिनाई जीवन का साइन है, फ्रेश विचारों का है इसका है, पुरुष और प्रकृति का साइन है, ठीक है? आडम और ईव की बातें हैं, चीजें वहां वो सारी स्टोरीज जो है वो जेमिनाई से आती हैं। तो लंग्स है, सांसों का है इसमें चीजें, तो देखो सांसें आनी चाहिए ना, लाइक किसी का भी ना स्कॉर्पियो बर्बाद है तो सांसें पहले चली जाएंगी, स्कॉर्पियो नहीं मरते ही सांसें जाती है ना सबसे पहले, ये भी तो देखो, कभी सोचा है स्कॉर्पियो जैसे ही मरता है व्यक्ति सांसें चली खत्म होती है, तो जेमिनाई खत्म होना चाहिए ना उसमें, सोच पा रहे हो? जेमिनाई सांस है, तो जेमिनाई को ठीक करने के लिए सांस पे कंट्रोल चाहिए। जेमिनाई दो है इसलिए दो नथुने मिले हुए हैं शरीर में, ठीक है? दो नाड़ियां हैं इंगला और पिंगला, ठीक है? दो नाड़ियां हैं सांसों की, इनपे मास्टरी पाते ही ना जीवन में तुम्हारे फियर नहीं रहेगा, कोई भी चीज का भय खत्म हो जाता है। लंग्स तुम लाइक बोलते हैं ना कि लाइक फ्रेश ऑक्सीजन लोगे तो तुम्हारे विचार अच्छे आएंगे, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सांस का साइन है जेमिनाई, फ्रेश विचार आने के लिए अच्छी सांस पे कंट्रोल होना जरूरी है। कोई भी थॉट आपको अगर लिंक परेशान कर रहा है, स्टार्ट डूइंग लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना उस प्रकार से आपका डिसाइड होता है। मृत्यु से बाहर निकालने के लिए जेमिनाई चाहिए, स्कॉर्पियो से बाहर निकालने के लिए जेमिनाई चाहिए, याद रखना। स्कॉर्पियो मर जाने का साइन है तो जेमिनाई जीवन का साइन है, और जीवन जब तक है तब तक सांस है, तो लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए जेमिनाई चाहिए। कोई व्यक्ति कितना लंबा जिएगा इसके लिए भी जेमिनाई चाहिए, कि उसकी सांसें कितनी तेजी से चल रही है और कितना है। लिमिटेड साइज सांस का एक कॉन्सेप्ट दिया था किसी ने, कि सांसें सबकी लिमिटेड है, सांसें अगर लिमिटेड हैं तो जेमिनाई लिमिट कर रहा है, ठीक है? तो किसी का सांस धीमे है कि किसी का सांस तेज है, इससे बहुत कुछ डिसाइड होता है उसके बारे में। इवन इफ कि आप कैसा विचारधारा रखते हैं, क्रोध में आते ही सबसे पहली जो चीज बदलने वाली है वो आपकी सांस है। टेस्ट करो, अभी टेस्ट करो, देखो दो नाड़ियां चलती है ना, कभी तुमने देखा कि अपने शरीर में ना दोनों नथने सेम काम नहीं करते हैं? ऐसे रखो और सांस छोड़ो, देखो एक नथुना डोमिनेंट है, रखो टेस्ट करो, टेस्ट मुझे, मैं ऐसे रोज सुबह देखती हूँ कौन सा वाला से उठी हूँ मैं आज सुबह, तो सुबह में पता लग जाता है, ठीक है? टेस्ट करो, दोनों ना बराबर सांस कभी नहीं लेते हैं, एक डोमिनेंट होता है। जब रात होगी, जब रात का समय होएगा, तो तुम्हारा राइट हैंड का जो भी नथुना है वो डोमिनेंट हो जाता है, जैसे ही दिन बढ़ता है तुम्हारा लेफ्ट हैंड का नथुना डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है? सांसों का ये पद्धति है, सन के बिहेवियर के ऊपर सांसें बदल जाती हैं। सन जैसे ही आकाश में उदित होगा लेफ्ट नथुना हो जाएगा, इवन इफ की योर एक्टिविटी, आपका दिमाग सबसे तेज काम करता है जब लेफ्ट नथुना स्ट्रांग होगा, कोई फ्लेक्स, देयर इज अ होल साइंस जो इसी पे है कि किस नथुने से सांस आ रही है और उससे आप क्या प्रेडिक्शन दे सकते हो, क्योंकि ये शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक यू कैन शिफ्ट इट, ठीक है? श्वास की पूरी विधि है जिसपे काम होता है और जिसपे आप शिफ्ट कर करके ना बहुत सी चीजें बदल सकते हो। तो ना हम लोग जब बहुत बेसिक सीख रहे थे तो गुरु जी बोलते थे अभी तुम्हें कुछ नहीं आता है ना, तो एक काम करो
तुमको जब भी कोई सवाल पूछे हाँ या ना में जवाब देना हो तो ये देखो कि तुम्हारे नथुने से कौन सी सांस आ रही है। राइट से आ रही है तो ना है, और लेफ्ट से आ रही है तो हाँ है। ओके ठीक है, लेकिन इस स्टेज लाइक ये स्टेट पाने के लिए बहुत योगिक प्रैक्टिस करने के बाद ये स्टेट आएगी, कि तब जब ये स्टेट आ जाएगी एक योगी क्या करता है देखो। इतना कुछ है जेमिनी में पढ़ाने के लिए मेरे को कि मैं मतलब खत्म नहीं कर पाऊंगा। देखो जेमिनी ना प्लस और माइनस दोनों है, लाइक दैट्स हाउ इट इज, प्लस माइनस, वो दो लोग नहीं है। इट्स अबाउट द ड्यूअलिटी, द्वंद ऑफ लाइफ, सुख और दुख दोनों का साथ समंगम है जेमिनी। कभी खुशी कभी गम, वैसा टाइप का सिचुएशन है। दोनों सांस के नथुने हैं, दोनों लंग्स हैं, ठीक है। और जेमिनी ना इसी बात का है कि बाप रे मैं कैसे समझाऊं दोनों चीजों के बारे में। लेकिन जब तक लाइक सब जब ये सारी चीजें ना विचार तब तक ही है जब तक जीवन है, ठीक है। स्कॉर्पियो आते ही मर गया, विचार भी खत्म हो गए, ठीक है। जब तक जीवन है तब तक वही है, सुख दुख भी तभी तक है जब तक जीवन है। स्कॉर्पियो में नहीं है, ठीक है, जेमिनी में है, ठीक है। दोनों साथ मैं भूल गया, मैं एक्चुअली जो चीजें बताने जा रहा था मैं भूल गया एक्चुअली क्या बताने जा रहा था, ठीक है। तो सांस लेने का विधि पे फोकस रखना जरूरी है। तो जेमिनी को ठीक कर लेते हैं आप, कैसे ठीक कर लेते हैं, द वे यू ब्रीथ, ठीक है। इसीलिए प्राणायाम जरूरी है। योगी, हाँ योगी क्या करता है पता है, हमारा सारा लोग का सांस अप डाउन होता है ये हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन पता है कब ना दोनों नथुने से बराबर सांस आती है। कभी नोटिस किया कि दोनों नथुने से बराबर सांस आ रही हो पूरे दिन में? कभी तो एक आध नोटिस आती है। हाँ हाँ आती है। अरविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? अरविंद जी नहीं नहीं कभी नहीं आती, वो जब तक योगी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। गलत जवाब, गलत जवाब। मैं बताऊं कब आती है? क्योंकि उसपे माइंड बहुत, ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है उस टाइम। फिर से रिपीट कीजिएगा अरविंद जी, मैं मिस कर गया। विदाउट प्राणायाम काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी दोनों नोस्टिल से एक साथ आती है, क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वो तब की बात है ना, वो तो तब की बात है जब आप प्रैक्टिस करोगे, लाइक विदाउट डूइंग इट। क्या कभी दोनों नथुनों से बराबर सांस नहीं आती? नहीं नहीं, दोनों एक साथ नहीं आ पाती है। हां तो दैट टेल्स मी कि नाउ यू आर स्लीपिंग। अच्छा उत्तर जी, क्विक क्वेश्चन, एक मिनट चेक करके बताइए अभी आ रही है क्या दोनों से बराबर? नहीं मेरी नहीं आ रही। पक्का? हाँ पक्का, श्योर। मेरी राइट डोमिनेट है। तो मैं ये कह रहा था अरविंद जी को, अरविंद जी अगर आपने ये नोटिस नहीं किया है तो यू आर स्लीपिंग व्हाइल पूपिंग, ठीक है। द मोमेंट ना आप पूप करते हो ना, स्कॉर्पियो एक्टिव करते हो, द मोमेंट यू पूप आपके उस टाइम ड्यूरेशन में ना 2-3 सेकेंड्स के लिए ही ना दोनों नथने से सांस बराबर आती है। चेक इट, कल ना सुबह यही एक्सपेरिमेंट कर लो, देख लो। पहले उठो और देखो कि पहले कौन से सांस डोमिनेंट है। जैसे ही पूप आउट करोगे ना यू विल सी कि ना ब्रेथ शिफ्ट होता है, 2 सेकेंड्स के लिए ना वो दोनों नथने से सांस बराबर जाएगा और फिर पैटर्न शिफ्ट होता है, वो लाइक लेफ्ट नथना उसके बाद चालू होता है। नहाते समय नोटिस करना, जब नहाओगे ना पहले आप पानी डालते हो ना उस मोमेंट पे दोनों नथने से सांस बराबर आती है और फिर नथुना शिफ्ट होता है। लाइक ना लेफ्ट जागृत था तो राइट पे जाएगा, राइट पे होगा तो लेफ्ट जाएगा। अपने शरीर ना इस लेवल का कॉन्शियसनेस एक योगी रखता है, उसको मालूम है कि वो इस समय पे उसका नथुना बदलता है। तभी तो कोई योगी बताता है कि भैया 12 बजे खाना खा लो, उस शाम में मत खाओ। लेकिन अपन अरे दिक्कत क्या है, देखो कैसे समझ में आएगा, तो ये भी नहीं मालूम कि तेरे दोनों नथुने से सांस बराबर नहीं आ रही, कैसे उसको समझाऊं मैं?
तुमने शरीर शरीर को देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं, अपने बारे में ही पता नहीं है, बहुत लेवल पे जानना पड़ेगा शरीर के बारे में। और इन्हीं से ना दिमाग में होने वाले विचारों का संचार का केंद्र है, ठीक है। द मोमेंट यू गेट एंग्री ब्रेथ चेंजेस, फ्लटरिंग ऑफ ब्रेथ शुरू हो जाती है, सांस लेने में चीजें हो जाती है। द मोमेंट लाइक भाई बहुत हर मोमेंट को देखो, फियर में, एंजाइटी में, हैप्पीनेस में, नोटिस करो कि ब्रेथ कैसी है। ये बहुत जरूरी है, देखो कि कब आपके लाइक व्हेन यू आर हैविंग सेक्सुअल आइडियाज, व्हेन यू आर हैविंग गुड आइडियाज, व्हेन यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ आइडिया, वो आइडिया लिंक होगा सांस से। अगर सांसों पे तुमने कंट्रोल पा लिया, तुमने विचारों पे कंट्रोल पा लिया, ठीक है। यही सूत्र है योगी का, और यही वो भोगी नहीं जानता है, ठीक है। तो किसी भी चीज को ना, किसी भी चीज का भोग करने के लिए भी आप सांसों पे लाइक, आप अगर क्लियर माइंड से नहीं है, लाइक क्लियरली नहीं है, तो आप जीवन को भी उस लेवल पे ना उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको फूल दिखाऊंगा, आपको तो उसमें कांटे दिखेंगे, आपको तो यही लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली किसी ने आपको चीट किया हुआ है, तो आपको लगेगा कि यार ये इसमें भी वही है। तो जो थॉट है वो आपके लाइफ को जीने के तरीके में बाधा बन रहा है, वो आपके एक्सपीरियंसेस नहीं होने दे रहा है। क्यों? क्यों? स्कॉर्पियो ना, स्कॉर्पियो वो एरिया है जहां पे साइकोलॉजिकली आप हर्ट हुए हैं, इज द साइन ऑफ दैट हर्ट। तो कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, जो भी है, उसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है। वीनस स्कॉर्पियो में है, एट्थ हाउस में वीनस है ना, वो चीज आपके जेमिनाई को प्रॉब्लम करती है। वो प्लैनेट जो बैठा हुआ है एट्थ हाउस में, उसकी वजह से जेमिनाई प्रॉब्लमेटिक है, फ्रेश चीजें नहीं कर पाएंगे आप वहां से, नया स्टार्ट नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि मैं आपको गुलाब दूंगा तो आप काटे देखो, बस काटे क्यों देख रहे हो? क्योंकि बैकलॉग में बहुत सारा कुछ है। तो मैं इसीलिए आपको हमेशा स्कॉर्पियो जेमिनी स्कॉर्पियो जेमिनी करते रहा, क्योंकि ना जो भी चीजें स्कॉर्पियो में जाएगी, जो प्लैनेट, वो नया एक्सपीरियंस उस प्रकार का एक्सपीरियंस। वीनस जाएगा तो रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस, मार्स जाएगा तो फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, दोस्ती यारी का संबंध, ठीक है। मर्करी जाएगा तो एनी काइंड ऑफ रिटन और कम्युनिकेशन चीजें। मर्करी एट्थ हाउस में है, स्पीक का प्रॉब्लम है ना, स्पीकिंग का कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम है, इश्यूज है। क्यों? क्योंकि बहुत बार लाइक नया चीज नहीं बोल पा रहे हो, नया चीज सोच नहीं पा रहे हो, बार बार ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है चीजें जेमिनी में, ठीक है। तो सांसों पे नियंत्रण पाते ही तुम ये कर सकते हो, तुम लाइक अपने पूरे जीवन को जीने का तरीका ही बदल सकते हो, ठीक है। इसलिए योगी योगी ना, योगी सुख और दुख में नहीं है, योगी सम अवस्था की बात करता है कि ना, क्योंकि अगर सुख में हूं तो कोई भी चीज को एग्जैगरेट करके बोलूंगा, दुख में हूं तो डिप्लीट करके बताऊंगा, और जब सम में हूं लाइक इन पॉज लाइक सिचुएशन, जहां पे ना वो चीज जैसी है वो मुझे वैसी ही दिखेगी, दैट इज द स्टेट की सम अवस्था, तब दोनों नथने से सांसें दोनों बराबर आएंगी। तो इसीलिए देयर इज अ सीरीज ऑफ थिंग्स दैट इज डन बाय अ योगी एवरी मॉर्निंग, सो दैट जस्ट कि उसका पूरा दिन ना एक नॉर्मल एक स्टेबल माइंड के साथ चले, ठीक है। जेमिनी है ये, कैन वी डू नेक्स्ट वीक नाउ? ठीक है, करते हैं, बस दो दो चार मिनट और, चार क्या, हाँ कुछ पांच दस मिनट और, ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म में हूं मैं, लाइक ना बहुत कुछ छोड़ दोगे तो अगर मिस किया था यहां से। जेमिनी ना रोने का साइन है, ध्यान से देखो जेमिनी के आगे आने वाला क्या साइन है। जेमिनी के आगे कैंसर है, इमोशनल चीजें हैं वहां पे। तो क्या होता है, जब जैसे ही आप ना हर्ट होते हैं, जैसे ही आपको दुख पहुंचता है, जैसे ही आपको चीजें होती हैं, तो आप रोना चालू कर देते हैं। यू जस्ट कम बैक 12th हाउस जेमिनी में आकर के रोना शुरू कर देते हो, ठीक है। जैसे ही जेमिनी में रोते हो क्या होता है, हल्का फील करते हो ना, ये इमोशन जेमिनी में कैसे रोए हम,
जेमिनाई रुदन का साइन है, ठीक है। जब 3 साल का बच्चा होता है ना, देखो वो ना, अब वो जो उसका क्राइंग था वो यूज करता है एज अ स्ट्रैटेजी ना टू गेट समथिंग। 3 साल का बच्चे को मास्टर कर लेता है इस बात को कि मैं जैसे ही ना मार्केट में जाऊं तो मैं कोई चीज को देख करके रोना है। स्किल दैट दे अटेन, एक परफेक्ट टाइमिंग होता है। 2 साल का के ऊपर का ही बच्चा होगा वो तभी जान जाओ कि ये ना जेमिनाई आ गया है, परफेक्ट मास्टर कर लेता है। और रुदन का साइन है, रुदन का साइन इसलिए क्योंकि आद्रा का नक्षत्र, दैट इज द नक्षत्र फॉर रुदन, क्राइंग, रुद्र, रुद्र नाम ही दिया है इसी वजह से, वो जेमिनाई का नक्षत्र है, ठीक है। दैट इज वाई इट्स अ साइन ऑफ क्राइंग, ठीक है। रोते नहीं, रोते और मुस्कुराते दोनों है। मैंने इसलिए बोला कि जेमिनाई में कभी खुशी कभी गम है, ठीक है। तो दोनों का साइन है, कभी खुशी कभी गम, दैट इज वाई रोना भी इसी में है। खुश अगर स्माइल है, मुस्कुराहट है, तो रोना भी है। रोना इसलिए है क्योंकि कैंसर खाली हो सके, कैंसर से 12th है ये। ओके, इमोशंस का लॉस हो सके। अगर आप पूरा भर गए हो इमोशन से तो आप जेमिनाई में आके निकाल लोगे, खुश भी हो गए तो भी, दुखी हो गए हो तो भी। ओके, यस यस यस, दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड जेमिनाई फ्रॉम कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू। कि ना कैंसर जैसे ही जब इमोशंस बढ़ते हैं तो आंसू निकलना एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिससे कि ना वो जो दिल भर आया है ना, जैसे बोलते हैं दिल भर, आंखों से आंसू निकलने चाहिए, ठीक है, वो रुदन होना चाहिए, वो क्राई होना है। तो स्टार्टिंग का क्राई चीजों के लिए है, ठीक है, मतलब नॉर्मल लोग का क्राई इज फॉर थिंग्स। जब यही ना बियॉन्ड सरकम चीजें होंगी, बियॉन्ड सर्टेन लेवल होगी, तब ये लव के लिए होगा, प्रेम के लिए होगा, और अनंत प्रेम के लिए होगा। कैंसर, जुपिटर कैंसर अनंत प्रेम की तरफ होता है, तब ये जो आंसू निकलते हैं ये मोती के समान है, लाइक दैट्स द वर्डिंग ऑफ ओशो। लाइक जब ये रुदन होता है, जब वो मेडिटेशन का रुदन होगा, शुरू होगा, लाइक वो देन यू स्टार्ट, लाइक ना कुछ भी नहीं है फिर भी आप यू आर इतना शांत है कि आप के आंसू से निकल रहे हैं। मेडिटेशन में इतना शांत हो गया है ना, वो इतना इमोशनल हो गए हैं कि अभी आंसू निकल रहे, उसका कोई कारण नहीं है, उसमें कोई विचार नहीं। लाइक आप रोते समय ना, देखो रोते समय रोने, जैसे ही रोते हो ना विचारहीन हो जाते हो, थॉट्स नहीं रहते हैं। ऐसा कैसे, रो रहे, रोने से पहले बहुत सारा विचार था, लेकिन रोने के बाद नहीं होता है, काम डाउन, बहुत सारा काम डाउन होता है। दैट इज हाउ जेमिनाई इज, कैंसर से 12th है। ब्यूटी ऑफ जेमिनाई इज इन दिस, बच्चों का साइन है, इसीलिए बच्चे इज लाइक ऑलवेज लाफिंग, खुश है वो, कुछ भी हो तुम्हारा, हमारा तो खेलना जरूरी है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ जेमिनाई, जेमिनाई इज द साइन ऑफ लाइफ, इसीलिए कुछ करो ना करो जेमिनाई तो अच्छा करो, ठीक है। इसलिए वॉचेज है जेमिनाई, हाथ का वॉचेज है, ठीक है, ये सब लाइक, ये सब तो प्रेडिक्शन का पार्ट है, वो हाथ का वॉचेस है, सीढ़ियां है, ठीक है। मैं सीढ़ियों पे बहुत ज्यादा बोला नहीं, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जेमिनाई 12th हाउस, मास जब भी है तो इट्स लाइक कोई भी चीज है मूवमेंट वाली होगी, ठीक है, मास है तो मूवमेंट होगा उसके अंदर में, ठीक है। तो 12th हाउस जेमिनाई मार्स है तो क्या बनाएगा, सीढ़ियों के नीचे क्या रखेगा ये व्यक्ति, सोचो। बैटरीज, मास है, बैटरीज बोला तो गलत बोला है, पानी, बैटरी रखने के लिए ना सन चाहिए, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी मार्स नहीं है। अरे वो कोई ना हथौड़ा ऐसे कुछ वेपन, कोई भी औजार, कोई भी वेपन रख सकता है, ठीक है। डांस, और सोचो एस थिंक अबाउट कि ना अभी जेमिनाई 12th हाउस में ना, तो हमें सीढ़ियों के नीचे देखना है ना, तो जेमिनाई तो हटा दो, जेमिनाई भूल जाओ, बचा क्या, मार्स बचा है, 12th हाउस बचा है, 12th हाउस इज पानी, हाँ, पानी का टंकी, हाँ, मार्स है लेकिन वहां पे पानी का टंकी, तो चल के नहीं जाएगा या समथिंग, कोई मोशन नहीं होगा पानी में, तो पानी की मोटर हो सकती है ना। हाँ, ये तो बहुत लोग लगवाते हैं, हाँ, तो पानी की मोटर है, पाइसिस पानी का मोटर बनाएगा, मार्स पाइसिस में पानी का मोटर, टेक्निकल चीजें सोचना, मार्स में जब भी आएगा ना टेक्निकल। सन इन जेमिनाई विथ कोई ना कोई कनेक्शन मार्स से आना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऑब्जेक्ट है, सन
मार्स का कॉम्बिनेशन जेमिनाई में बैटरीज बनाएगा, ठीक है, बैटरीज सन मार्स में आएगा, सिर्फ सैटर्न प्योर सेगा सैटर्न हो, सैटर्न जेमिनाई कबाड़ बिल्कुल लोहे का कबाड़ होगा या तो कबाड़ होगा, कुछ भी कबाड़ हो जाए, जो भी यूजलेस चीज है ना वहां है, या जब यही में सैटर्न मार्स हो जाए, सैटर्न मार्स जेमिनाई, मान लो सैटर्न मार्स ऐसा कुछ, सैटर्न मार्स जेमिनाई इन फोर्थ हाउस, इन फोर्थ हाउस, हाँ सैटर्न मार्स जेमिनाई, जेमिनाई साइन में इन फोर्थ हाउस, आप बताओ आयरन के सर शोपीस होते हैं वो कुछ ऐसा तो नहीं, शोपीस क्यों, फोर्थ हाउस या लोहे की सीढ़ियां, नहीं ये तो सीढ़ियों के बारे में क्वालिटी हो गई, सीढ़ियां तो मैंने बोला कि जेमिनाई है ना सीढ़ियों के नीचे है, जेमिनाई हटा दो, बचा क्या कैंसर बचा, सैटर्न क्या, सैटर्न है लोहा, लेकिन मार्स भी आ गया है यहाँ पे, तो कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऐसा बनना चाहिए, मार्स पहले बताया कोई मोटर है, कुछ ऐसा चीजें इलेक्ट्रिक वाली चीजें है, समथिंग लाइक दैट, सैटर्न है, सैटर्न क्या करता है, सैटर्न ठंडा करता है ना, सैटर्न इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, कोई चीज जो ठंडा करती है वो रखी हुई है सीढ़ियों के नीचे, पानी को ठंडा करने का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वाटर कूलर टाइप, वाटर कूलर, ठीक है, वाटर कूलर, द आंसर इज वाटर कूलर, लिंक बैठा पा रहे हो कि नहीं, और एग्जांपल, और एग्जांपल किसको बैठा हूं मैं, जुपिटर, जुपिटर मान लो जेमिनी में प्लेनेट है, वही सीढ़ी के नीचे कुछ बनाएगा और फिर हाँ, वो किस हाउस में जा रहा है उस हाउस से हमें कनेक्ट करना है, हाँ जेमिनाई जहाज है उसी के रिलेटेड है, लेकिन ये टेक्निक ना बहुत मास्टर करने के बाद आएगी, लाइक एटलीस्ट ना 50 चार्ट्स पे टेस्ट कर लो कि तुम्हारे घर के सीढ़ियों के नीचे क्या है, तुम्हारे घर के सीढ़ियों के नीचे क्या है, ठीक है, वो सब देख लेने के बाद ही, किसी की कोई प्लेनेट ही ना हो तो फिर उसको हाउस से कनेक्ट करते हुए हमें वहां पे कुछ करना है, पहले शुरू करो ऑब्जेक्ट, पहले देख लो कि सीढ़ी के नीचे है, उसके बाद चार्ट उठाओ, तो सीढ़ी के नीचे देखने के लिए सर 12,000 देखना है ना, फिर वो वहां तो जेमिनाई देखना है, सिर्फ जेमिनाई देखना है, ओके अगर सीढ़ी के नीचे, हाँ सीढ़ी के नीचे जाना है, देखना है पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्या वो रखा है, देखो वो मरकरी होगा तो रद्दी रखा है, पेपर न्यूज़पेपर कटिंग ये सब चीजें, अब जैसे फ्लैट सिस्टम होता है इसमें तो भाई सीढ़ी नीचे से शुरू के ऊपर गई, तो उसमें कैसे हम देखेंगे, तो तुम ये भी देख सकते हो ना कि किसी का फ्लैट होगा किसी का वो होगा, किसका फ्लैट होगा किसका नहीं होगा, तुम ये भी तो देख सकते हो, सोचो किसकी सीढ़ियां होंगी किसकी नहीं होंगी, वो कैसे देखते इसके घर में सीढ़ियां ही नहीं होंगी, अच्छा किसके घर में सीढ़ियां ही नहीं होंगी, ऐसा सोचो जिसका जेमिनाई खराब होगा या बिल्कुल खाली होगा, कोई प्लैनेट नहीं होगा, सीढ़ी तो कोई ना बनती है ऊपर फ्लैट में भी जाने के, हाँ फ्लैट में तो कोई 20th फ्लोर पे रह रहा है, सीढ़ी तो है ही है, जा तो रहा ही है, लेकिन उसकी खुद की कोई सीढ़ी नहीं है, उसकी खुद की कोई सीढ़ी नहीं है, हाँ सो केतु होगा वहां पे जेमिनाई में, ये देखने लायक वाली बात है ना कि घर, ये कैंसर बता दूंगा मैं, कि कैंसर में बता दूंगा कि कैसे समझेंगे कि कोई का ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगा कि नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि उसी को तो सीढ़ियां होंगी, जिसकी मल्टी स्टोरी होंगी उसी की तो सीढ़ियां होंगी, हाँ हाँ बिल्कुल, बस ऐसा समझ लो, तो वो मैं कैंसर में समझाऊंगा कि जिसकी ना मल्टी स्टोरी होंगी कि नहीं होंगी, तो मोबाइल फोन का डिस्प्ले, थर्ड हाउस, कोई भी प्लैनेट किसी भी एक्टिवेटेड ईयर में थर्ड हाउस में जाता हो वो तुमको नया फोन देगा, नया लैपटॉप देगा, नया फोन देगा, कुछ तो नया कम्युनिकेशन डिवाइस में देगा, ठीक है, तो एनी लाइक टेस्ट करने का तरीका है, लाइक ना अरविंद जी का सैटर्न ना जेमिनाई में है और 11th हाउस एक्टिवेट हुआ, ठीक है 11th हाउस एक्टिवेट हुआ, शुड अगर थर्ड हाउस में होता ना तो फोन दे देता, नया फोन दिला देता, लेकिन नहीं वो फोर्थ हाउस में था इसलिए फोन नहीं दिलाया, ठीक है फोन नहीं, थर्ड हाउस में प्लैनेट जाना चाहिए नया फोन दिलाने के लिए, देख लो कि कौन सा प्लैनेट है, तो उसका हाउस जब एक्टिवेट होगा, जैसे कि किसी का ना मार्स बैठा हुआ है लियो के साइन में थर्ड हाउस में, ठीक है जल्दी से चार्ट बनाओ, लियो बनाओ, मार्स बैठा लियो के साइन में ना, हाँ तो चार नहीं वो तीन जेमिनाई असेंडेंट हो गया, कौन सा साल लिब्रा आएगा थर्ड हाउस,
क्या लियो इसमें बताओ, लियो बनाओ थर्ड हाउस, लियो थर्ड में जेमिनी एसेंडेंट बनाना, ठीक है। तो बताओ किस साल में नया फोन खरीदेगा? श्योर श्योर 12, 13, 14, 15 15वें साल में? नहीं गलत, 15। मैं तुमको प्लैनेट से बता रहा था, मैं प्लैनेट से देखो कि प्लैनेट मार्स बैठा है तो जिस भी साल में मार्स एक्टिवेट होगा यानी कि एरीज एक्टिवेट होगा उस साल में बंदा नया फोन खरीदेगा। अच्छा, तो 11th ईयर में हो गया, ठीक है, 23rd ईयर में हो गया। जब थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा, लाइक थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा तो नेचुरली वो तो कुछ ना कुछ खरीदेगा, वो तो श्योर है। लाइक थर्ड हाउस एक्टिवेट है, फोन, कम्युनिकेशन डिवाइस, समथिंग लाइक, तो वो तो है ही, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। मजे की बात है कि 15 साल की उम्र तो हो गई होगा, 15 में होगा, 27 में होगा, ये सब में तो रिपीटेटिवली है, लेकिन मजा आना चाहिए कि जब तुम और साल से भी जोड़ सको, ठीक है। इसी तरीके से जेमिनी 8th हाउस में होगा तो मोबाइल चेंज होगा, नया लेगा, ठीक है। तो यानी कि स्कॉर्पियो के साल में नया फोन आता ही आता है, टेस्टेड कि जेमिनी क्योंकि नेचुरली 8th हाउस में गया हुआ है, ठीक है। तो जब स्कॉर्पियो का हाउस एक्टिवेट हो जाए, कहीं से भी स्कॉर्पियो का हाउस एक्टिवेट होगा, ठीक है, किसी का मान लो 6th हाउस में स्कॉर्पियो एक्टिवेट हुआ, नया फोन लेगा, 7th हाउस में स्कॉर्पियो एक्टिवेट हुआ, नया फोन लेगा, उसी के बाद रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो कई बार कुछ चीजें अटकी हुई होंगी किसी की, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि तुम नया फोन ले लो। नया फोन लेते क्या होगा, जेमिनी ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है उसका। तो अगर किसी का स्कॉर्पियो 7th हाउस में है, उसका रिलेशनशिप में कुछ चीजें होनी है, पब्लिकली कुछ चीजें होनी है, समथिंग रिगार्डिंग मैरिज होना है, तो मैं उसको बोलूंगा नया फोन खरीद ले भाई। इससे मैं नया फोन खरीदते ही उसका स्कॉर्पियो एक्टिवेट कर देता हूँ। छोटा ही एक्टिवेशन है, क्यों एक्टिवेट होता है, क्योंकि जेमिनी नेचुरली ना उसमें जा रहेगा, 8th हाउस में जा रहा होगा नया फोन लेते ही, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस। तो अभी तुम देखो, अभी तुम प्रेडिक्ट करना शुरू करो किसने कब नेचुरल नया फोन लिया, ठीक है। तो जेमिनी किसी का लाइक जुपिटर जेमिनी में था, 8th हाउस में, 8th हाउस का साल एक्टिवेट हुआ, मैंने पूछा सितंबर के महीने में, और ये फर्स्ट ही महीने में होता है, लेकिन ना ऐसा मत सोचना कि पूरे साल में कभी भी ले लूं, वो हो जाएगा, लेकिन ना जेमिनी जैसे ही चालू होगा ना सबसे पहले फोन बदलता है, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड का 4th हाउस था, 4th हाउस में स्कॉर्पियो है, मार्स इज इन जेमिनी, अभी प्रेडिक्ट करना है, तुम लोगों को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, बनाओ लियो लगना, बनाओ लियो लगना स्कॉर्पियो इन 4th हाउस, ठीक है, स्कॉर्पियो 4th हाउस में, 4th हाउस एक्टिवेट हुआ, सेकंड प्लेसमेंट दे रहा हूं, मार्स इज इन 11th हाउस, ओके, अच्छा, अभी तो 4th हाउस एक्टिवेटेड होते कुछ तो प्रेडिक्शन क्लियर है ना तुमको, हाँ, प्रेडिक्ट करो 4th हाउस एक्टिवेट हुआ है तो मैं तेरे के लिए फोन लेगा, नहीं फोन तो इसी का आएगा, फोन कभी किसी और का नहीं है, फोन इसी का है, इसका फोन खराब हो जाएगा, हाँ नया फोन लेगा ना, मतलब नया फोन लेगा, इतना नहीं जाना है किसी के, अच्छा नया फोन लेगा, स्कॉर्पियो एक्टिवेट हुआ, नया फोन ले लिया ना भाई, ऐसा पूछने का, तो बोला हाँ ले लिया, ठीक है। उसके बाद और कौन सा साल एक्टिवेट हुआ इसका, स्कॉर्पियो थर्ड हाउस में भी, तो जब थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा तब भी तो कुछ लिया होगा, ये वो है ना कि लाइक एक बार लैपटॉप लिया, फिर अगले साल कुछ और लिया, फिर अगले साल कुछ और लिया, दैट इज हाउ इट गोज, ठीक है। तो थर्ड हाउस में था तो नया लैपटॉप लिया था, 4th हाउस आया तो एप्पल का फोन लिया, फोन था फादर को भी फोन चाहिए, क्योंकि एरीज जो है 9th हाउस में है, फादर को भी इस साल नया फोन चाहिए, फादर का भी नया फोन आया कि नहीं, ठीक है। तो पत्नी का नया फोन कैसे देखेंगे, बताओ जल्दी से, पत्नी का नया फोन कब आएगा, वो तो राहु या सैटर्न इस वाले चार्ट में, 9th हाउस, बस आंसर है, हाँ, तो किसी का 9th हाउस एक्टिवेट होते ही ना पत्नी का नया फोन आना चाहिए,
अच्छा हाँ ठीक है, मेरे तो हर एक 1.5 साल में एक नया फोन आता है, टूट जाते हैं मेरे। जेमिनी कहीं ना कहीं केतु है, बहुत ही खराब है। कोई नहीं कोई नहीं, सास सास जेमिनी एटलीस्ट अपने तक तो नहीं आएगा ना, मतलब इंटरनल जेमिनी तो अपन कंट्रोल करके रखेंगे, बाहर की दुनिया में जेमिनी होता रहे खराब, अपने अंदर का जेमिनी खराब नहीं होना चाहिए। वो बोला ना कहावत है, यत पिंडे तट ब्रह्मांडे, तो जो बाहर है वही भीतर है, तो बाहर जेमिनी और अंदर जेमिनी, तो अंदर जेमिनी को तो कंट्रोल कर लो, सांसों पे नियंत्रण आना चाहिए, इस लेवल का आना चाहिए कि ना सांस पगड़ी आना शुरू हो दोनों नथने से बराबर, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होना शुरू हो जाए, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो जाए, जितना ज्यादा आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए दोनों नथने से धीरे धीरे सांस लेना शुरू करोगे, उतना ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट्स में आ सकते हो आप, जिसका जितना ज्यादा मेडिटेशन गहरा होता जाएगा उसके लिए पूरा दिन वो दोनों नथने से बराबर सांस लेता है। तो हमारे गुरु जी कहते थे कि लाइक ना, या तो ये रोगी को होगा ये प्रोसेस, या तो रोगी है या तो ये योगी है, योगी आदित्यनाथ नहीं, मतलब स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, तो दैट्स हाउ अ योगी विल बी। तो जेमिनी इस तरह से ठीक करा जा सकता है, ठीक है, जेमिनी मून जेमिनी में टॉफी बनाता है, ठीक है, टॉफी 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 हाँ, मून जेमिनी में टॉफी बनाएगा, ठीक है, खट्टी मीठी टॉफी, ठीक है, तो 21:50 हो गए, ठीक है, दैट्स ना यहीं पे अपन। मेरी बेटी का भी, मेरी बेटी का लियो लग्न है और उसका थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ था इस साल जनवरी में, हाँ, ठीक है, लिब्रा, उसने भी नया फोन लिया, हाँ उसने नया फोन लिया था, सिंपल, ये सब हाँ देखो, ये सब खूब खुश हो इससे, और थर्ड हाउस मतलब थर्ड हाउस एक्टिव भी देखना है, स्कॉर्पियो भी देखना है और मार्स भी देखना है। अरे नहीं, मार्स तो मैं नहीं, 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 थर्ड हाउस एग्जांपल था वो, तो स्कॉर्पियो मार्स तो एग्जांपल था। अच्छा अच्छा, नवनी जी को ये नहीं समझ में आया कि फादर का फोन नया फोन क्यों आया ना। हाँ नहीं, वो उसमें देख लिया कि हाँ फादर हाउस और सेवेंथ है हाउस हुआ एक्टिव, तो फाइव का फोन आया, नाइन्थ आया तो फादर का आया, ठीक है, क्योंकि मार्स लिंक कर रहा था ना, मार्स लिंक कर रहा था, फादर से थर्ड लिंक कर रहा है ना मार्स, एरीज है, मार्स को रूलर है उसका, तो मार्स क्योंकि इसमें बैठा हुआ है, थर्ड में बैठा है वहां से पोजीशन में, तो इसलिए फादर का फोन भी बोला मैंने। अच्छा वहां मार्स देखा ना फिर आपने, मार्स इसलिए देखा क्योंकि लिंक था, एक्टिवेटेड हुआ ना, एक्टिवेटेड ये स्कॉर्पियो था ना, तो इसने मार्स भी देखा, मार्स को भी देखा, ठीक है, ठीक है, जो चार्ट में बता रहा हूँ, लाइक किसी का ना वीनस, अच्छा सैटर्न इन 11th हाउस, ठीक है, सैटर्न वीनस इन 11th हाउस, ठीक है, मेक अ चार्ट, क्या वर्गो लगना, कैंसर इन 11th हाउस, मेक अ चार्ट, कैंसर लगना, कैंसर इन 11th हाउस, हाँ कैंसर, हाँ सॉरी कैंसर इन 11th हाउस, वर्गो लगना 6 नंबर का पहला होगा, देन कैंसर 11th हाउस में आएगा, ठीक है, ठीक है, प्लैनेट क्या है, सैटर्न, कैंसर के अंदर में सैटर्न वीनस है, ठीक है, ठीक है, एक और साइमल्टेनियसली चार्ट बनाओ जिसमें लगन बनाओ सैजिटेरियस, 11th हाउस में सैटर्न मास, सैटर्न और मास, ठीक है, सैजिटेरियस लगा लिब्रा में, हाँ लिब्रा, ठीक है, Saturn and Mars. Okay. ठीक है. तो इलेवेंथ लाइक ना कुछ प्रेडिक्ट करो, पहले वाले चार्ट के लिए प्रेडिक्ट करो, फोन के बारे में प्रेडिक्ट करो, तो जब भी फिफ्थ या सिक्स हाउस नहीं, पर ये तो जेमिनी में जा ही नहीं रहे हैं, ये तो इसमें जा रहे हैं, तो फोन से तो कोई लेना देना नहीं है इस बारी, टफ बनाया है ना पेपर, टफ है इस बार का। उठा रहा हूँ मैं, लेवल उठा रहा हूँ, देखो अच्छा, एक्टिवेटेड हाउस 9th हाउस, दोनों केसेस में नहीं, एक पहले वाले को समझा रहा हूँ अभी, दूसरा केस समझ आ जाएगा, अच्छा एक्टिवेटेड हाउस 9th हाउस, ठीक है, 9th हाउस, हाँ 9th हाउस,
फिर टॉरस एक्टिवेट हुआ है, तो टॉरस भी एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ तो टॉरस एक्टिवेट हुआ ना, टॉरस मीन्स लिब्रा एक्टिवेट हो गया, सॉरी हाँ, वीनस और एक्टिवेट हो गया, वीनस वीनस हो गया तारा उसे उसमें, लिब्रा भी तो एक्टिवेट हो गया, तो फैंसी। मतलब हाँ 9-11 और सेकंड हाउस एक्टिवेटेड चल रहे हैं। अरे उसका वीनस हाँ एक्टिवेट हो गया ना। हाँ वो आप प्रिडिक्शन बताओ, मेरे को ये सब नहीं जानना चाहिए। अच्छा फादर ने अपने लिए भी फोन लिया, अपनी वाइफ के लिए भी फोन नहीं, लिया। फोन तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे फोन नहीं है। फादर थर्ड हाउस है ना को, फादर, थर्ड फादर को हाउस हो गेन गया हुआ, ना, प्रॉपर्टी में गेन हुआ फादर को। अभी मैं ना अब मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। देखो 9th हाउस एक्टिवेट हुआ ना, हाँ जिस आदमी का चार्ट है उसका 9th हाउस एक्टिवेट। मैंने कहा तो पत्नी का नया फोन आया ना, हाँ 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 ठीक है 9th हाउस एक्टिवेट है, पत्नी का नया फोन आया। बोले हाँ आया। मैं कहा पत्नी का जो पुराना फोन था वो फादर को गिफ्ट कर दिया ना तुमने। वो कैसे बोला, फोन कैसे बोला सर? वहां से थर्ड है ना, वीनस अपने से थर्ड में बैठा है, फादर के लिए लेकिन बैठा है, किसी और के लिए नहीं, फादर के लिए ही ये इवेंट होगा ना। फादर से थर्ड में जाकर के वीनस बैठा हुआ है, फादर के साइड ओके से। गॉट इट गॉट इट, ठीक है। सैटर्न तो गिफ्ट मिला है ना, फादर को गिफ्ट मिला है, हो, सैटर्न, सैटर्न इज फादर द को कार। पुराना गिफ्ट, पुराना हाँ गिफ्ट हाँ मिला पुराना होगा। फोन गिफ्ट में मिला है, ठीक है सैटर्न फादर को पुराना में फोन मिला गिफ्ट में मिला है। 11th हाउस जैसे ही इस बच्चे का एक्ट डिप्रेस्ड है, लाइक प्रॉब्लम है, जब बात हुई ना तो दैट इज लाइक कि ना परेशान है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कैंसर के साइन में सैटर्न वीनस बैठा हुआ है। किससे प्रॉब्लम है? रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज है। 11th हाउस भी, 11th हाउस प्रॉब्लम में है, कैंसर डिस्ट्रॉय हुआ है। क्यों? क्योंकि फादर, तो एक और इवेंट आना चाहिए ना साथ ही साथ। तो फादर को गिफ्ट में क्या मिला है? फोन मिला है, ठीक है, गिफ्ट में फोन। सैटर्न 9th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति शादी के दौरान पे अपने पत्नी को नया फोन गिफ्ट करता है। सैटर्न 9th हाउस का रिजल्ट है, सैटर्न 9th हाउस पत्नी को नया गिफ्ट करता है 9th हाउस में सैटर्न फोन, क्योंकि सैटर्न लेने का कारक है। सैटर्न जहां बैठा है, सैटर्न 3rd हाउस में होगा तुम्हारे, तुम गिफ्ट लोगे। जिस भी साल थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा उस दिन, उस साल में तुमको ना गिफ्ट आएगा फोन या फिर कोई हियरिंग ऑब्जेक्ट, सुनने वाला, समथिंग लाइक दैट, म्यूजिक सिस्टम, समथिंग लाइक दैट, सैटर्न 3rd, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट चार्ट बनाया है उसमें भी क्या है, सैटर्न मास है ना, हाँ सैटर्न मास है, सैजिटेरियस लगना, सैटर्न का हाउस एक्टिवेट हुआ, यानी कि केप्रिकॉन का हाउस एक्टिवेट हुआ, ठीक सेकेंड है। हाउस एक्टिवेटेड है, हाँ हाँ गो ऑन। सेकेंड हाउस एक्टिवेटेड है तो 1 2 3 सैटर्न उठ करके कहाँ बैठा हुआ है? 11th हाउस में, अगेन प्रिडिक्ट सेम थिंग। फादर को गिफ्ट में क्या मिला है? फादर कैसे हो गया? फादर हाँ ये फादर कैसे आया? को क्यों ला रहे हो बार बार? फादर को क्यों ला रहा हूं बार बार? क्योंकि 11th हाउस इज द थर्ड फ्रॉम फादर ना। नहीं वो अच्छा ठीक है। हाँ 11, देखो 10th अगर कहीं से भी ना कोई रिलेशनशिप, कोई भी हाउस जबकि 11th हाउस में बैठ रहा है, वो बार बार फादर का फोन है, वो फादर का हाथ है, फादर का फोन है। याद करो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन में मैंने बताया था केप्रिकॉन लगना स्कॉर्पियो, अच्छा नहीं बताया, ये सर ने बताया था ये चीज, केप्रिकॉन लगना के फादर की उंगलियों में उंगलियां मिसिंग है, ये प्रेडिक्शन था ना। मुझे याद है क्यों? वो। हाँ क्यों? क्योंकि अच्छा क्योंकि वहां पे स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो का साइन है। है बस वो बैठा है, इसी इतना इनफ है ना। तो इसी तरीके से कोई भी प्लैनेट जो है वहां पे बैठा हुआ है, वो फादर का हाथ, फादर का पाव, नहीं फादर का हाथ और फादर का फोन पे इफेक्ट फोन, डालेगा। हाँ फोन, हाँ मतलब जो एक्टिवेटेड है वो थर्ड हाउस है फादर के हाउस से। हाँ हाँ तो इसीलिए बार बार हाँ प्रेडिक्ट तो क्यों करा इसलिए रहा हूं? इसलिए इसलिए आप बोल रहे हो कि गिफ्ट मिला होगा सैटर्न है ना मोबाइल। तो मोबाइल नहीं हाँ मिला है। मोबाइल गिफ्ट। अब यही है, यहाँ पे बदल दिया मैंने, हर पेपर में सेम ही क्वेश्चन थोड़े ना होगा। तो मार्स बैठा हुआ है, सैटर्न मार्स है, टेक्निकल ऑब्जेक्ट है, तो घड़ी मिली, ठीक है, घड़ी टेक्निकल ऑब्जेक्ट, सैटर्न मास घड़ी गिफ्ट किया है, ठीक है। ओके अच्छा, सैटर्न वीनस ने फोन बनाया और सैटर्न मार्स ने घड़ी बनाई।
सैटर्न है तो गिफ्ट बनाया, वीनस सैटर्न है गिफ्ट, गिफ्ट सैटर्न लेने का कारक है, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग नो, लेने का कारक है, गिफ्ट है मतलब गिफ्ट मिला, गिफ्ट मिला। हाँ जब पहले वाले में वीनस था तो वीनस तो एक्सपेंसिव क्लोथ्स या ज्वेलरी भी हो सकता है, फोन ही क्यों बोला आपने? थर्ड हाउस, थर्ड थर्ड हाउस, थर्ड फ्रॉम फादर साइड, इसके लिए ये कपड़े ले सकता है, ये कपड़े ले सकता है क्योंकि वीनस तो इसका है, लेकिन फादर से तो थर्ड है ना, फादर के तो तीसरे भाव में है। हाँ लेकिन सेकंड वाले एग्जाम्पल में तो फोन नहीं था ना, वो तो वॉच हो गई, क्योंकि मार्स और सैटर्न का दोनों का मिला के बोला, तो यहाँ पे वहाँ पे थर्ड हाउस नहीं कंसिडर किया। हाँ थर्ड हाउस में कंसिडर किया तो हाथ में पहनने वाली चीज कंसिडर। अच्छा हाथ में ही पहनने वाली चीज आई, ठीक है ठीक है। अभी कड़ा कब बनेगा ये भी तो सोचो, कड़ा कब बनेगा, तो व्हेन इट विल बी कड़ा, हाथ में कड़ा है, ब्रेसलेट है, प्रोमिनेंट ब्रेसलेट कौन देता है, राहु होगा ना तो प्रोमिनेंट ब्रेसलेट पहनता है ऐसा व्यक्ति हाथ में। अच्छा ये हाँ उसको तो शोशेबाजी करनी है, दिखाना है, तो इसलिए वो ना। उसकी घड़ी भी नहीं प्रोमिनेंटली ना बड़े डायल वाली होगी, ठीक है, बड़े डायल वाली घड़ी पहनता है, वैसे टेक्निकल चीजें होगी, केतु होगा तो वो वाली घड़ी होगी जिसमें ना या तो घड़ी का इश्यू है, प्रॉब्लम है, या फिर घड़ी में ना वो तीन चीजें हैं, लाइक नहीं बल्कि एक एक ना सेकंड वाली सुई मिसिंग भी तो हो सकती है। नहीं नहीं देखो एक बार टेस्ट करो, बट ये श्योर नहीं हो ना इसमें क्या है, बट इट वुड बी लाइक मैं जो फील कर पा रहा हूँ कि एक डायल होगा, मेन डायल होगा, उसके साथ में दो डायल और होंगे भी, छोटे छोटे दो डायल होंगे, क्योंकि तीन कंप्लीट होना चाहिए केतु का, तीन कंप्लीट होना, केतु जहाँ है वो तीन तरीके, वो समोसा है ना केतु, केतु समोसा है, पिज्जा है, ठीक है, केतु फिफ्थ हाउस में एरीज में था तो आई सेड कि ना तो वही पिज्जा खाना बहुत पसंद है क्योंकि वो ट्रायंगुलर तीन समोसा टाइप से, तो दैट्स लाइक ना ये था थोड़ा सा प्रैक्टिस और सारी चीजें जेमिनाई से, यही यहाँ पे हम खत्म करेंगे अपना ये लेक्चर, ठीक है, जेमिनाई के रिगार्डिंग में बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ बताया जेमिनाई में और बहुत अच्छे से समझ जाने की कोशिश है, ठीक बहुत है? अच्छा था, बहुत अच्छा, मेरी तो नींद ही उड़ गई बाद में बाद में ऐसे एग्जाम टेस्ट लो ना तो भी नींद चलेगी। हाँ जब एग्जाम आया तब तो नींद ही उड़ गई सर। वन क्वेश्चन प्लीज, रुको रुको मेरे को खत्म कर लेने दो, तो इसीलिए ना ये बहुत याद रखना कि ना कोई भी बच्चा डिप्रेशन में है तो उसको जेमिनाई ठीक का उपाय देना है, ओके, उसका जेमिनाई ठीक करो, उसका जेमिनाई जैसे भी ठीक, जैसे ठीक होता है उसको जेमिनाई ठीक करो, उसका जेमिनाई स्टार्ट कर दो किसी तरीके से, उसका जेमिनाई चालू हो जाए, तो तुम कोई भी ऐसा उपाय बनाओ जिससे कि उसका जेमिनाई लाइक जहां भी जेमिनाई बैठा है ना तो जेमिनाई को स्टार्ट करना है, तो जेमिनाई को नहीं पकड़ के ठीक करने लग जाओगे, उसका हाउस ठीक करोगे, लाइक जेमिनाई अगर नाइन्थ हाउस में है तो नाइन्थ हाउस का कोई रेमेडी बनाओ ताकि जेमिनाई ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, तो ये रेमेडी मत बनाना कि जेमिनाई नाइन्थ हाउस में क्या बनाएगा, तो जेमिनाई नाइन्थ हाउस में लंबी सीढ़ियां देता है ना, जेमिनाई जब होगा तो सीढ़ियों का स्टेप का साइज या तो बड़ा होगा या ऐसा फैली हुई सीढ़ी होंगी बड़ी बड़ी, ठीक है, तो दैट इज द नेचर ऑफ जेमिनाई, जेमिनाई डिसाइड कर रहा है सैजिटेरियस में, लंबी लंबी सीढ़ियां होंगी, प्रोमिनेंट सीढ़ियां होंगी, तो देखो कि किनके घर में ना वो प्रोमिनेंटली जेमिनाई ही है, जो लाइक घर में घुसते हैं वो मजेदार नक्काशियां वाली सीढ़ियां होती ना, मूवीज में देखा ही हमने तो, मतलब बाकी किसी के घर में तो बहुत मुश्किल से देखता है वो, बट वो प्रोमिनेंट राहु फोर्थ हाउस में हो तो ना घर के एंट्रेंस घुसते ही नॉर्थ साइड में सीढ़ियां होती हैं, ठीक है, घर के एंट्रेंस में ही राहु फोर्थ हाउस में हो तो सीढ़ियां होती है, क्योंकि राहु भी अकेल ना सीढ़ियों का वो है, एक रिप्रेजेंटेटर, ठीक है, इट्स अबाउट क्लाइंबिंग, राहु इज अबाउट क्लाइंबिंग अप, केतु इज अबाउट क्लाइंबिंग डाउन, getting inwards, Rahu is about outwards, ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं, तो climbing ये सारी चीजें Rahu fourth house में ऐसा देता है, और ठीक है, तो इसीलिए किसी को भी depression का problem हो तो उसका Gemini activate कराना जरूरी है, ठीक है, तो क्यों depression है, क्योंकि Scorpio कहीं ना कहीं activated है, विचारधारा फंस गई है किसी किसी की, लेकिन उसका सोच नहीं पा रहा है, उसके नए विचार नहीं आ पा रहे हैं, वो एक repetitive cycle में पहुंच गया है, डिप्रेशन इज लाइक दैट ओनली, उसका जेमिनाई ठीक करने की जरूरत है। अच्छा जेमिनाई का बहुत अच्छा उपाय विष्णु सहस्त्र नाम, पहले ही बताया था मैंने, विष्णु सहस्त्र नाम तो है, ठीक है, उससे ना, लेकिन ये तब करना है जब नाम में ही वो दिखने लग जाए, इतना खराब हो जेमिनाई कि नाम में ही समझ में आ जाए,
जैसे कि किसी एक का नाम था ना ओजस्विता, अच्छा ओजस्विता, मैं पूरा नाम भी नहीं बोला जा रहा है। लाइक जेमिनी में जब ना चीजें खराब होना शुरू होंगे ना तो ऐसे ही नाम वाले आएंगे। लाइक एक लड़के का आया ना, एक लड़के का मरकरी केतु का कंजंक्शन था कहीं ना कहीं और जेमिनी डिस्ट्रॉय हुआ था, उसका नाम अमिया है, अमिया। लड़का है, लड़की का नाम रखा हुआ है, अमिया एक लड़की का नाम है, ठीक है। इस तरह की चीजें तुमको मिलेंगी, ठीक है, नाम में वो चीजें आने लगेंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पार्ट शुरू करना जरूरी है जेमिनी के साइन को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो जेमिनी का तो एक नेचुरल उपाय है, बाकी दूसरे उपाय फोन से बना लो, ठीक है, सीढ़ियों से उसका वास्तु ठीक करा दो, ठीक है, उसका वास्तु करेक्ट करा दो सीढ़ियों पे, बस उसको बोल दो कि सीढ़ियों के नीचे जो भी चीजें रखी हैं हटा दो, नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे ना स्टार्टिंग में, तो बस बोलो कि सीढ़ियों के नीचे जो चीजें हैं वो हटा दो, कबाड़ हटा दो, जो भी सैटर्न का दिखे, जो भी चीजें दिखे उससे से वो हटवा दो, इससे उसका डिप्रेशन चला जाएगा, उससे वो डिप्रेस आत्मा से एक सुखद आत्मा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जेमिनी नए विचार है, और याद रखना जेमिनी फ्रेंड्स हैं, तुम डिप्रेशन में तभी जाते हो जब तुम्हारे दोस्त नहीं होते हैं, ये कभी मत भूलना, जेमिनी फ्रेंड्स है, दोस्ती यारी है, इसीलिए जेमिनी बर्बाद होते ही तुम्हारे दोस्त तुमको सबसे पहले छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जेमिनी के लिए आइसोलेशन नहीं है ना, जेमिनी में आइसोलेशन नहीं है, वो तो साइन ही दो लोगों का है, तो आइसोलेशन साइन ही दो लोगों का है, स्कॉर्पियो में आइसोलेटेड हो तुम, ठीक है, स्कॉर्पियो में आइसोलेटेड हो और जेमिनी में तुम हमेशा एक के साथ हो, ठीक है, तो इस तरह से तुम समझो जेमिनी दो भाइयों की कहानी है, ठीक है, दो भाइयों की या दो बहनों की, ठीक है, इसलिए जहां पे भी जेमिनी है वो रिलेटिव भी दो है आपके पास, ठीक है, नाइन्थ हाउस में जेमिनी है तो आपके दो पिताजी के रूप में काम करने वाले लोग हैं, भले मदद करें ना करें वो सब आपके जेमिनी और फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट इट्स लाइक वो दो हैं, ठीक है। जेमिनी इलेवेंथ हाउस होएगा तो फादर दो भाई होंगे, ऐसा समझ सकते हैं, फादर के दो भाई और होंगे, लाइक फादर हैं और दो भाई और होंगे, ये लेकिन थोड़ा सा टेस्ट करने का जरूरत है। देख एरीज किसी का हो तो एरीज से दो सिबलिंग होंगे, हाँ तो दो सिबलिंग है तो वो है, कभी कदार ऐसा नहीं भी पाओगे, लेकिन कभी कदार नहीं भी पाओगे कि ये ऐसी चीजें हैं ये वो, तो थोड़ा सा टेस्ट करने का जरूरत होगी, तो देखो कि कोई उसका ऐसा फ्रेंड है जो उसके साथ ही रहता है हमेशा, दोनों ना संग ही घूमते हैं, दैट्स हाउ वो भी काम करता है, ठीक है। तो अभी वो जोड़ीदार है, मतलब जहां है वो जोड़ीदार है, तो फोर्थ हाउस इसलिए बताया ना कि माता जोड़ीदार है, मून जेमिनी में है तो ये वो केसेस हैं जहां पे माता लाइक ना एक माता अवेलेबल नहीं होती तो दूसरी माता मिल जाती है ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं जेमिनी में, ड्यूअलिटी है। हाँ आप क्वेश्चन पूछो। तो सर मैं वही पूछ रही थी, मेरे हस्बैंड का थर्ड हाउस में राहु है और लिब्रा लग्न है वही सैजी में हो गया राहु, तो थर्ड हाउस सैजिटेरियस राहु, ठीक है, हाँ जी। तो जैसे आपने अभी बोला था कि गोल्ड ब्रेसलेट बनाता है राहु, हाँ हाँ, तो इसमें मतलब वाइफ का प्रिडिक्ट करेंगे, मतलब जैसे सैजी साइन है तो नहीं साइन है तो वाइफ को क्या प्रिडिक्ट करेंगे, फादर का करेंगे ये तो, हाँ सच, वाइफ को बोला मैंने, हाँ वाइफ को क्या बोलोगे, वाइफ नहीं, सैजिटेरियस का साइन मत यूज करो, थर्ड हाउस ही यूज करो ना, ठीक है। तो देखो सीढ़ियां कैसी है, पहली बात तो सीढ़ियां देखो, सीढ़ियां में कुछ ना कुछ अटपटा मिलेगा, केतु थर्ड हाउस में हो लेकिन केतु जेमिनी में हो तो ऐसा बोला है, एक प्रेडिक्शन है सर का, सर ने बोला कि सीढ़ियों से गिरता है सर व्यक्ति, केतु जेमिनी में आते ही ना वो सीढ़ियां कुछ तो अटपटी हैं, लाइक ऊपर नीचे स्टेप्स हैं, स्टेप साइजेस आर इनडिस्क्रिमिनेट, लाइक ना उनमें कोई ना लीनियरिटी नहीं है, वो एक साइज के नहीं है, इसी वजह से वहां पे वो या तो स्लिप करके गिरेगा, चीजें होकर गिरेगी, सीढ़ियां तो प्रोमिनेंट है सर हमारी, कैसे नहीं होंगे, ग्रह ना, ग्रह कहीं आते नहीं है, कोई ग्रह कोई जादू टोना नहीं है कि ऐसा फूंक देगा और ग्रह आ जाएगा, नहीं वो बाजू में बैठे हुए हैं, वो वास कर रहे हैं तुम्हारे सीढ़ियों में, वो वास कर रहे हैं तुम्हारे फ्रिज में, वो वास कर रहे हैं तुम्हारे घर के, पहले रहते थे वहां पर सीढ़ियां नहीं थी, वहां पर आप जैसे कह रहे हो ना उन्होंने 20 साल वहां पर करे हैं, तो मम्मी कहते हैं मैं तो कितनी बार गिर भी चुकी वहां से,
हाँ वहां पर थी ऐसी, ठीक है, तो वो इफेक्ट आएगा। आप ऐसे जगह पे हो, पैतृक मकान था जो उनका, वहां पर थी ये प्रॉब्लम, होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो सीढ़ियां हैं इसीलिए, और बहुत इजी है वास्तु दोष, लाइक अपना 90% लोगों के घर में वास्तु दोष सीढ़ियों पे है। स्कॉर्पियो लाइक स्कॉर्पियो और जेमिनी लिंक हो जाए, लाइक ना स्कॉर्पियो मार्स जाकर के जेमिनी में बैठ जाए, बुध जाकर के इसमें बैठ जाए स्कॉर्पियो के साइड में, ऐसा व्यक्ति सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना लेता है। और इसकी वजह से इस घर में पैरालिसिस पैदा होता है, कोई ना कोई व्यक्ति पैरालिसिस में है। जेमिनी याद ना कितना कुछ बताने रह गया, जेमिनी ना पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्यों? क्योंकि आप आधे हो जाते हो खराब, आपका जेमिनी ना, जेमिनी रुद्र का अर्ध नारीश्वर रूप है। लाइक मैं तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ना वैसे छोटा छोटा टिक मार रहा हूँ, क्योंकि ना क्योंकि मुझे पता है कि ना नहीं झेल सकते बहुत सारा कुछ, लेकिन जेमिनी इज लाइक अर्ध नारेश्वर, आधा पुरुष प्रकृति, पुरुष और प्रकृति बोला था मैंने, इसलिए थोड़ा हिंट दिया था, पुरुष और प्रकृति का दोनों का है वो, अर्ध नारेश्वर रूप है, इसीलिए प्रेइंग टू अर्ध नारेश्वर रूप विल क्योर योर जेमिनी। जेमिनी ऐसा है, ठीक है। और सर हमारी तो सीढ़ियों के नीचे मोटर है पानी की, तो मैं उससे कैसे प्रिडिक्ट करूंगी, मतलब अपने फादर के उससे करूंगी कि हस्बैंड के उससे। हाँ तो देखो किसके 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 है, लाइक किसके जेमिनी, जेमिनी फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में आ रहा है, जेमिनी का साइन ना। हाँ किसका फोर्थ एट्थ और ट्वेल्थ में आ रहा है, क्योंकि पानी का आएगा ना। मेरा भी नाइन्थ में, मेरे फादर मेरे हस्बैंड का भी नाइन्थ में आ रहा है जेमिनी का साइन। और किसी का फादर की तो पता बच्चों ही। बच्चों के देखो, कोई बच्चों के उसमें कोई तो लिंक होनी चाहिए, कोई तो लिंक होना है, मून बैठेगा ये तो है ना जेमिनी के साइन में, मून पानी आना चाहिए ना, पानी का मोटर बनाना है तो टेक्निकलिटी के लिए मार्स भी चाहिए, कुछ तो एस्पेक्ट्स आएगा समथिंग वो बनाना चाहिए, ठीक है। इंग्रेडिएंट है, हाँ यही चेक करना है, ऐसे ही चेक करना है, लोगों के घर घुस घुस के पहले देखो कि सीढ़ियां कह रहे थे तुम्हारे। सर आप अपना बताओ, आपका ये मैच करता है या और किसी का संध्या का हो या कुछ ऐसे? अरे मेरा ही है, मेरा ही है ट्वेल्थ हाउस मार्स ना, ट्वेल्थ हाउस मार्स जेमिनी में, तो अपने घर से बता रहा हूँ पानी की मोटर है और प्रोमिनेंट है, लेकिन सदियों सदियों से रखी हुई है वहीं पे। मोटर भी है, बैटरी भी है, दोनों चीज रखी हुई है वहां पर। हाँ बैटरी है तो सन आ गया, ठीक है, सन का इन्फ्लुएंस आया है वहां पे, ठीक है। तो लियो का लाइक फिफ्थ हाउस में बैठ जाए चीजें वहां पे बना लेगा बैटरी, क्योंकि लियो इज ऑन बैटरी है, वो लियो तो परमानेंटली इज ऑन, ठीक है, प्रेजेंटेशन लियो इज ऑन, ठीक है, बैटरीज रिलेटेड चीजें वहां पे आएंगी, सोर्स ऑफ एनर्जी है वहां पे, ठीक है, तो इसलिए ऑन। तो ये थी कहानी जेमिनी की, होप चीजें जिस लेवल पे मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ उस लेवल तक पहुंच जाए, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए, बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए, बट मोर देन दैट ना वो फील आ जाए, जेमिनी का फील आ जाए, अगर जेमिनी फील कर लिया ना आपने एक बार, आप फिर ना कोई ऑब्जेक्ट देखोगे और कहोगे यार ये जेमिनी है और ये जेमिनी नहीं, तब समझ में आ जाएगा कि ये पार्ट है ये पार्ट नहीं है, ठीक है, वो फील आ जाना चाहिए एक बार वो। देखो मैं अभी तक नोट्स नहीं बनाया कोई भी जेमिनी में, जब भी बोला हो ना बस बोलता रहा हूँ जेमिनी पर, क्यों? क्योंकि ना यहाँ है कोई भी साइन, कोई भी प्लैनेट यहाँ पे दिल में बसा हुआ है, इस लेवल से ना वो उसके साथ बैठना पड़ेगा ना, बैठ करके ना बस ऐसे सोचना पड़ेगा कि जेमिनी है कौन, कौन बनाएगा जेमिनी और कौन नहीं बनाएगा, कैसे होगा वो चीज, कैसे नहीं होगा, बस ये करना है, बैठ करके ना सोचना है कि जेमिनी है तो है क्या। तो मेरा यही लेक्चर सुनो, बार बार सुनो, चीजें समझो, कि बहुत लाइक मेजोरिटी में चीजें कन्वर्ट कर दी है, लेकिन कभी भी जेमिनी के बारे में कुछ भी कहीं बुक में मिला है, कोई भी बोला है, तो कनेक्ट करने की कोशिश करो कि क्यों ये बोला, क्यों ये जेमिनी ऐसा बोला, क्योंकि जेमिनी जो भी है वो सारे, जैसे मैंने तुमको एक साइन बताया कि एक साइन अक्वेरियस का किस तरीके से हर साइन की वजह से वो है, उसी तरीके से जेमिनी के साइन भी में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जेमिनी के फोर्थ सेकेंड हाउस में ये होमवर्क है, ठीक है, जेमिनी को लगन बनाओ,
और एरीज टॉरस कर लिए हो ना, एरीज टॉरस जेमिनी ये कर लिए हो, तो एरीज टॉरस की वजह से जेमिनी के अंदर क्या क्वालिटीज बिल्ट इन होती हैं, ठीक है ये देख लो, और बाकी और प्लैनेट साइंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा कि जेमिनी जेमिनी ऐसा है तो है क्यों, जेमिनी लाइफ का साइन है तो लाइफ का साइन है क्यों, ठीक है। तो मैं धर्म की बातें और बहुत ज्यादा करती हूँ, मतलब कोई धर्म के बारे में ऐसे कोई बोलता है तो मैं बहुत ज्यादा उसको आर्गू करती हूँ और अपना पॉइंट सिद्ध करके हाँ, करती हूं। खुद पढ़ा है ना, खुद पढ़ा है, मतलब खुद से पढ़ाई करी है ना, लाइक शास्त्रों के बारे में कुछ भी जो है अपने से उसको ना संज्ञान में लिया है अपने, यू हैव हैंडल्ड इट ऑन योर ओन, दैट इज व्हाई ना अभी आप किसी का सुन नहीं सकते, राइट। बहुत मुश्किल है कि कोई आपको ये समझाए कि क्या है धर्म, धार्मिक चीजें क्या है, भक्ति की बात, ठीक है। एक हमारी फ्रेंड है, एक ग्रुप हमारा ग्रुप बना था, वो एक्वेरियस लगना थी, रश्मि की बात कर रही हूँ मिनी में, ठीक है। वो इतनी ज्यादा कट्टर मोदी की वो थी, उसके हम पूरे चैट में, हम सारे चाइल्डहुड फ्रेंड ने ग्रुप बनाया, मैं ग्रुप से निकल गई क्योंकि वो इतनी कट्टर मोदी की, कोई भी मोदी के खिलाफ बोल दे, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ से मोदी की बातें निकाल निकाल के लाती थी और सबको पोस्ट करती थी, देखो देखो देखो। मैं एग्जिट कर गई ग्रुप से क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा था, मैं निकल गई। बट यस यू आर राइट, ये एक्वेरियस वाले इतने, मतलब वो कहाँ कहाँ से ढूंढ, मैं नहीं पता वो कहाँ कहाँ से सामान लाती थी, मतलब इतना नॉलेज अपने माइंड से लगता ना कि मैं भी मोदी की प्रशंसक थी, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि वो गलत है तो फिर मैं मानूंगी कि वो गलत है, मतलब मैं अंधभक्त नहीं बनती किसी भी चीज में, मैं लॉजिक ढूंढती हूँ, अगर वो लॉजिकल लगता है मेरे को तब मैं बहस करती हूँ, नहीं अदरवाइज मैं बहस नहीं करती। मैं तो लेकिन वो तो सुनती ही नहीं ना, वो तो सुनती नहीं थी पॉलिटिकल व्यू किसी का, तो वो भी उसको ठीक करेगी जबरदस्ती, मतलब दो पॉइंट नहीं सुनती वो। मेरा तो प्रयास ही यही है कि ना मैं आपको आपके ही बंधन दिखा सकूं, मैं तो आपको यही दिखा रहा हूँ कि किस व्यक्ति का क्या बंधन है, वो क्या नहीं सोच पाता है। सारी चेष्टा मेरी यही है कि ना अगर आप ये जान जाओ और ये चीज से अपने आप को अलग कर लो ना, क्योंकि ये तुम नहीं, अगर तुम नाइन्थ हाउस में तुम्हारा जेमिनी है और तुम इस तरह के पर्सनैलिटी हो तो समझ जाओ कि ना तुम ओरिजिनली तुम ये नहीं हो, बिकॉज ये प्रकृति है, ये तुम्हारी प्रकृति है। कुंडली इज ऑल अबाउट योर नेचर, इट्स नॉट यू। प्रकृति और पुरुष में यही फर्क है, पुरुष इज अलग, प्रकृति तुम्हारी है, कुंडली प्रकृति बताती है तुम्हारी, द नेचर एंड द बिहेवियर पैटर्न दैट यू विल फॉलो, ठीक है। पुरुष बिल्कुल अलग है इससे, इसी को ना इसी को बोलते हैं कि ये आत्मा का बात है और ये शरीर का बात है, शरीर की वजह, शरीर ऐसा मिला है और शरीर के इर्द गिर्द में रहने वाली चीजें भी उसी की तरीके की हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड कि आप किस भी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग मेडिटेटिव, अपार्ट फ्रॉम बीइंग गोइंग इनवर्ड्स, अपने बारे में मेडिटेट करना और अपने शरीर की उन चीजों के बारे में समझना कि जो शरीर में है, ठीक है। शरीर में एक टेंडेंसी है जिससे आप खुश रह सकते हो 24/7, शरीर में एक टेंडेंसी है जिससे आप कोई भी चीज को जैसे देखते हो वो पैटर्न चेंज कर सकती है, लाइफ पैटर्न्स को शिफ्ट कर सकती है, तब आप ना आप भाग्य से परे देख पाओगे, तब आप सुख दुख से परे देख पाओगे। सुख सुख पसंद आता है ना तो समझ जाओ कि अभी भी वो है, लेकिन तब प्रॉब्लम है, क्योंकि सुख पसंद आया तो दुख तो आएगा ही आएगा, दैट इज लाइक हैंड टू हैंड। क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा एट रिलेशन याद करो, मैं तुमको कभी नहीं पढ़ाया कि सिंगल जेमिनी पढ़ाया हो या सिंगल टॉरस पढ़ाया हो, मैं जब भी टॉरस पढ़ा रहा हूँ तुमको लिब्रा जरूर पढ़ाया, क्योंकि वहां से एट्थ का रिलेशनशिप बनता है, सिक्स एट का रिलेशनशिप है। मैं इसीलिए समझाता हूँ क्योंकि सुख और दुख ना साथ साथ है, कि एक साल में अगर लिब्रा आया है तो टॉरस भी आएगा एक साल में, अगर लिब्रा में सुख पाए हो तो टॉरस में दुख पाओगे, क्योंकि प्लैनेटरी एक जगह तो बैठेगा ना, जैसे एक उसने चूज किया दूसरा तो विरोध में हो गया, पैदा हो गया, right। इसलिए अरविंद भी अगर एक कोई बहुत ब्रिलियंट एजुकेटेड बीइंग है तो एक अरविंद जरूर ऐसा उनके विपरीत में पैदा होगा, जो अगर अरविंद जी 6 बजे पैदा हुए हैं तो एक 6 बजे शाम में पैदा होने वाला व्यक्ति जरूर पैदा होगा जो बिल्कुल अनएजुकेटेड और उल्लू होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्लैनेट एक तरफ बैठ करके उसको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे तो उल्टे बैठते ही उसको एक उसका विपरीत पैदा कर देंगे। धरती इसीलिए ना प्लस और माइनस दोनों की बनेगी, और याद रखना प्लस और माइनस दोनों में ही वो नहीं है,
जेमिनाई में नहीं हो तुम, लेकिन जेमिनाई में जीवन, लाइक जेमिनाई में जीवन है लेकिन जेमिनाई में तुम नहीं हो, सेल्फ नहीं है, लियो एरीज नहीं है, एरीज की बात नहीं है, वो सोल कॉन्शियसनेस की बात नहीं है, आत्मा नहीं है वहां पे, आत्मा एरीज में है। तो सर जैसे कहते हैं हम प्रारब्ध का जो है हम वो भी भोगते हैं और वो मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि नहीं ये डोमेन मेरा अभी नहीं है, जब समय आएगा। सर तो वो हमारे कौन से कर्म होते हैं, मतलब पिछले कर्म नहीं होते हैं, मतलब उसी हिसाब से हमें कुंडली मिलती है ना, हम कुंडली मिलती है, कुंडली देखो ऐसा नहीं मिलता है कि इस जन्म में वो चीज नहीं करोगे, ठीक है, तुम नहीं करोगे तो बाप दादा तो करेंगे, कोई तो करेगा ना, अपना तो रोक लोगे दूसरे का कैसे रोकोगे, कोई तो है जो लाइक किसी का खराब होगा, कोई भी सेवेंथ हाउस खराब होगा तो फादर के गेम्स में चीजें हैं खराब ना, फादर ने इनकम सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें की, ऐसे टैक्टिक्स किए, फोर्सफुली चीजें खींची लोगों की, इनकम लिया किसी से, जो नहीं देना चाहता था उससे भी लिया, जो देना चाहता था उससे तो लिया ही लिया, ठीक है। तो वो सेवेंथ हाउसेस में तुम्हारा राहु मिला या फिर कोई सेवेंथ हाउस में केतु मिला, मैलेफिक्स मिले, चीजें वहां पे प्रॉब्लमेटिक बनी है, अपना तो बचा लोगे ना, अपने तो बोलते हैं ना कि अरे मैंने तो खराब किया नहीं, क्यों तो फिर उनके घर में क्यों रहे पैदा होते ही? क्यों उनके घर पे रहे? अकेले हो जाते, नंगे घूमते सड़क पे, बच्चे जैसे पड़े रहते, तब तो नहीं बोलोगे क्योंकि तब तो कॉन्शियसनेस ही नहीं है, तब तो बोध ही नहीं है इस बात का। तो अगर तुमने 18 साल या 22 साल उनके उनके साथ रह करके उनके सुख दुख में पार्ट बने हो, तो उनके कार्मिक चीजों का पार्ट बने हो, इस स्तर पे पार्ट बने हो कि वो जब मर जाएंगे ना, वो मर जाएंगे तो वो तुम्हारे शरीर से जिंदा रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुमने उनका शरीर तो जला दिया, लेकिन उनको ये मालूम है कि तुम्हारी जो कोशिकाएं है ना, जेमिनाई इज द साइन ऑफ स्किन और टिश्यूज, एक चीज छोड़ गई, टिश्यूज का वो है, ठीक है, टिश्यूज है लाइक ना बॉडी के टिश्यूज हैं, तो कोई टिश्यू कितनी जल्दी मरता है और कितनी जल्दी रिपेयर होके नया होता है ना, ये जेमिनाई से पता चलता है, ठीक है। स्कॉर्पियो डेथ है, डेथ ऑफ द टिश्यूज भी है, जेमिनाई इज द रिजुविनेशन ऑफ दैट टिश्यू, दैट इज वाई जिसका ये प्रोसेस अच्छा होगा, जेमिनाई अच्छा होगा, उसकी स्किन बहुत जल्दी रिजुविनेट कर जाती है, ठीक है, तो उसको कट भी लगता है ना तो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है, ठीक है, दैट्स द क्वालिटी ऑफ जेमिनाई, ठीक है। तो तुम ना अपने बाप दादा की स्किन लेकर के बैठे हुए हो, ठीक है, योग लाइक गुरु बताएंगे कि योग मुद्रा में बैठो, ऐसे बैठो, ठीक है, ये आसन लगाओ, वो आसन लगाओ, क्यों बोल रहे हैं? ये भी रह गया, बाप रे बाप, मैं तो लाइक मैं सब बुलवाते जाओगे ना, बहुत सब कुछ जेमिनाई ने छोड़ रखा है मैंने ना, जो मैं स्पिरिचुअलिटी में चीजें समझाता, देखो जेमिनाई इज द साइन ऑफ मुद्रास, कोई भी मुद्रा जो है ना, हैंड मुद्रा का साइन है जेमिनाई, द वे यू ब्रीद कैन बी चेंज्ड बाय मेकिंग अ मुद्रा, माइक बोलो, नवनीत जी आपका माइक ऑन नहीं है तो कुछ भी बोलोगे ना तो कुछ सुनाई नहीं देगा। अब मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कुछ भी धीरे काम मत, कुंडी भी तेज से, ठीक ठीक। तो जेमिनाई इज द साइन ऑफ द मुद्रा, एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करें, सब लोग बैकबोन स्ट्रेट करके बैठ जाओ, ठीक है, और डीप ब्रेथ लो, ठीक है, डीप ब्रेथ लो, ठीक है, नोटिस हाउ अ ब्रेथ कम्स इनसाइड योर लंग्स, ठीक है, लंग्स पे ध्यान देना, और इस बार जो हाथ का मुद्रा होएगा वो ना डाउनवर्ड्स होगा, लाइक यू विल हैव टू पुट योर हैंड्स डाउन, पाम्स डाउन, फेसिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, और हाथ रखो और गहरी सांस लो और देखो कि लंग्स में कैसे भरती है हवा और फिर छोड़ो, नोटिस करो इस बार आपको, ठीक है, तीन तीन बार में नोटिस करो, फर्स्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नोटिस योर लंग्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नोटिस हाउ लंग्स गोज इनसाइड, लंग्स के अंदर कैसे हवा जाती है और कैसे निकलती है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फोर्स नहीं लगाना है ना, ताकत नहीं लगानी इसमें, नॉर्मल। अब ना अब पाम्स को फेसिंग अपवर्ड्स कर लो और फिर से ये तीन साइकिल करो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. ठीक है, relax. Oh, you can open your eyes. ठीक है, did you notice some change? जो बिहेवियर पैटर्न में था, जो लंग्स में हवा कैसे भरती है, वो हाथ चेंज करने पे हुई कि नहीं? हुई. थोड़ा ऐसे भारी भारी लग रहा था सर, जब ऐसे किए थे हैंड तो मुझे थोड़ा हैवीनेस लग रहा था, और जब ऐसे किए थे हैंड तो बहुत लाइट लग रहा था. अब मैं और बताओ संध्या जी, कैसा लगा, जब, क्या डिफरेंस समझते लिए? हाँ, नेक्स्ट ईयर बताइए आप. जब हाथ ऊपर थे तो एक्चुअली एब्डोमेन के थ्रू जा रही थी सांस, और जब ये थे डाउनवर्ड से तो एब्डोमेन मूवमेंट नहीं था ब्रीदिंग में. और संध्या जी क्या महसूस किया लंग्स के? लंग्स फिल हो रहे थे जब ये डाउन था, लंग्स फिल हो रहे थे, उसमें साउंड यहाँ से आ रहा था, ऊपर जब हमने हाथ रखा था साउंड यहाँ से ज्यादा आ रहा था चेस्ट से. ओके, अरविंद जी कुछ फील हुआ था लंग्स के बेसिस पे हाथ अप एंड डाउन करने पे? नीचे करके ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, ऊपर करके थोड़ा सा आई थिंक वो एनर्जाइज ज्यादा हो जाता है. ओके, सो द थिंग इज यू विल नोटिस, फिर से नोटिस करना, बार बार नोटिस करना, अपना ही आता है, अपना ही शरीर है. ठीक है, अपने शरीर से अगर कुछ नहीं नोटिस किया तो फिर क्या ही कर, फिर दूसरे के बारे में क्या ही कर पाओगे? ठीक है, तो अपने शरीर से है कि व्हेनेवर यू ना हाथ दोनों नीचे रहेंगे ना, यू विल फील कि आपका जो लंग्स का जो लोअर हिस्सा है ना, वहां तक सांस जाती है. ठीक है, वहां तक सांस पहुंचती है जब लोअर होता है, और जब अपर करते हो तो सांस मोर ऑफ अपर रीजन में रहती है, लाइक लंग्स के बहुत अपर रीजन्स में ही सांस रहती है. एक्नॉलेज कर लो इस चीज को, अब नहीं फील किया है फिर से फील कर लो, अपनी सांस से एक एक सांस ले लो. ठीक है, तो नोटिस कर लो कि लाइक हाथ नीचे रखते ही यू विल फील कि पूरा एब्डोमेन तक नीचे लोअर लोब्स तक ना सांस जाती है, और जैसे ही हाथ ऊपर रखोगे तो ऑल द सांस विल बी अपर रीजन, लंग्स का अपर पोर्शन में होता है. इतना गहरा विज्ञान है मुद्रा का कि ना कि सांस लोअर रीजन में जाएगी कि अपर रीजन में जाएगी. आप तो तुम ना सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि ये मुद्रा बनाते हुए क्या होता होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर कोई योगी ये तक जानता है कि किस लेवल पे चीजें हैं. इसलिए दैट इज जेमिनी इज द साइन ऑफ द मुद्रा, दैट्स द इट. कि ना मैं उससे ज्यादा जाऊंगा ना तो बहुत कुछ बताना पड़ जाएगा मेरे को, बहुत चीजें बतानी पड़ जाएंगी, बहुत लेवल पे चीजें बतानी पड़ जाएंगी. इसीलिए मैं बस इतने भी खत्म करूंगा. इट्स द हैंड जेस्चर्स यू विल मेक. इसलिए मार्स जेमिनी में हो तो ऐसा व्यक्ति बोलते समय हाथ का जेस्चर बहुत सारा यूज करता है. ठीक है, उसको जरूरी है वो करना, एक्सप्रेस करते समय कुछ लोग कैसे हाथ का जेस्चर यूज करते हैं, मार्स जेमिनी. ठीक है, मार्स थर्ड हाउस, मार्स जेमिनी, हैंड जेस्चर्स जरूरी है. ठीक है, ये जिसका जेमिनी में सैटर्न होएगा कुछ नहीं यूज करेगा ना एक्सप्रेस करते समय, वो एकदम उसका बॉडी तो यूज होगा नहीं क्योंकि मार्स बॉडी है, बॉडी तो यूज होगा ही नहीं एक्सप्रेस करते समय, तो हैंड यूज करना तो बहुत दूर की बात है. ठीक है, तो बहुत सारे लोग ना बहुत योग निद्रा में आने लग गए हैं, तो बेटर यही होगा कि ना कि अभी क्लास खत्म की जाए. ठीक है, क्योंकि मैं तो ऑन हूँ, लाइक मैं फुल ऑन जेमिनी हूँ, क्योंकि ना मैं फुल ऑन जेमिनी. जेमिनी लगन है सर आपका? लगन नहीं है, मेरा एक्टिव हो गया, मार्स बैठा है, मार्स बैठा है प्रोमिनेंटली. जब से जेमिनी पढ़ा है ना, आई एम मतलब मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा है कि मैं फुर्सत पाऊँ, क्योंकि टेंथ लॉर्ड है, टेंथ लॉर्ड है, काम मतलब क्या क्या काम आ रहा है, वो कुछ मौका ही नहीं मिल रहा कुछ भी करने का. ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ जल्दी जल्दी कैंसर एक्टिवेट कर लूँ. ठीक है, फुर्सत पाऊँ मैं जेमिनी से. ठीक है, इसी लाइक टेंथ हाउस का लॉर्ड बैठा है, इसी महीने में मेरे को क्लियर हुआ कि ना कि वो टेंथ का पेपर वर्क है, लाइक टेंथ हाउस से ट्वेल्थ हाउस इज द जेमिनी पेपर वर्क ऑफ जॉब्स है ये, तो मेरा टेंथ लॉर्ड होकर के बैठा हुआ है, तो इसी पता चला कि अभी आपको ना यहाँ पे आना है. लाइक ऑफर लेटर आया, मतलब पहली बार ऑफर लेटर आया, जेमिनी एक्टिवेट हो गया मेरा. समझ आ गया मेरे को कि जेमिनी एक्टिवेट हुआ, अभी ऑफर लेटर आया. ठीक है, तो टेंथ से ट्वेल्थ ऑफर लेटर है, मेरे को उस दिन पता चला था. ठीक है, मेरे को उससे पहले नहीं पता था कभी भी. तो मैं एक्चुअली मैं ना आप लोग को जितना भी ये चीज जो मैं रिवर्बरेट कर पा रहा हूँ ना, जो मेरे अंदर से ये घट रहा है ज्योतिष का चीज, वो मैं जितना रिवर्बरेट कर पा रहा हूँ वो आप तक पता नहीं कितना पहुंच रहा है, कितना है मेरे तक तिगुना लौट रहा है, लाइक चौगुना पहुंच रहा है. मैं सही बता रहा हूँ,
आपको फायदा हो ना हो, मेरा मैं तो फुल ऑन फायदे को कोई बात नहीं सर, थैंक यू बोल दे अगर हमें, कोई बात नहीं. No, we are very humble. बस करो जेमिनी सर, बस करो, आपको तो स्टॉप नहीं लग रहा सर आपका तो. देखो देखो कितना एनर्जेटिक है इस टाइम, हम लोगों के फेस देखो. मैं तो चार घंटे, मेरे को चार घंटे में उठना है. अभी भी सोच रहे हैं क्या कुछ रह गया तो मैं बोल दूं. नहीं नहीं नहीं, दैट्स इट, मैं सोचना बंद कर. नेक्स्ट टाइम चैट करेंगे, नेक्स्ट टाइम चैट करेंगे जेमिनी टॉरस एरीज पर. ठीक है, चार्ट से जल्दी अच्छे से समझ आ जाता सर वो बहुत अभी. हाँ, बहुत अच्छे से समझ आ जाता है. हाँ. तो उसकी टेंशन मत लो, वो मेरा काम है, मैं तुमको चार्ट में कराऊंगा. मेरे को था कि जेमिनी से कराऊंगा, मेरे को था कि उसी टाइम पे पेन पेपर यूज करना है. ये भी मत सोचो कि ना कि मैं कोई भी डेट या कोई भी टाइमिंग यूज कर रहा हूँ, ऐसे ही यूज कर रहा हूँ. वो इसीलिए कि मैं उस टाइम पे आके कराऊंगा. मैं जो भी पढ़ा है, पता है जेमिनी में जो भी पढ़ा है बहुत स्कॉर्पियो से लिंक करके पढ़ा है, क्योंकि मुझे मालूम है अगर स्कॉर्पियो को छोड़ा ना, क्योंकि ड्यूरेशन ऐसा चल रहा है कि स्कॉर्पियो बहुत तेज जाते हुए ठीक है. स्कॉर्पियो में मार्स जाते ही ना बिपिन रावत की डेथ हुई. ठीक है, बिपिन रावत की डेथ हुई मार्स जाते ही. ठीक है, एरीज का साइन ना सोल्जर्स का है अगर, तो जैसे ही गया ना, इसी पहले अरविंद जी को पहले ही बोल दिया था ना, अरविंद जी का तबियत खराब हो सकती है, ध्यान रखो. ठीक है, क्योंकि मेरे को हाँ मार्स एरीज स्कॉर्पियो गया है ना, तो एरीज वालों को प्रॉब्लम है, सैजिटेरियस वालों को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों के एक का 12th है एक का 8th है, दोनों को प्रॉब्लम है. ठीक है, तो मार्स का जाते ही वो समझ में आ गया था मेरे को कि ये होने वाला है वो. और मजे की बात है कि मैं ना एक बार केतु डिस्कस कर रहा था, बोलो केतु डिस्कस कर रहा था, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि कोई ना पहली बार फ्लाइट पे कब चढ़ता है, मतलब ये तक सोच मैं प्रेडिक्ट करने की सोच रहा था कि कैसे जानेंगे कोई ना धरती पे नहीं रहेगा. मतलब ये सोचो ना केतु इस धरती का नहीं है. केतु इस धरती का नहीं, तो किसी का डेथ बिना इस धरती पे होगा कि नहीं होगा, धरती से ऊपर होएगा, ये भी केतु से दिख जाएगा. तो स्कॉर्पियो केतु मार्स एयर ना हवा में ही चीजें हुई. हवा हवाई में ही मौत हो गई. ठीक है, तो कोई फ्लाइट पे कैसे चढ़ता है ये स्पाइसेस बताएगा, क्योंकि स्पाइसेस द डोमेन ऑफ केतु, और केतु बताएगा लाइक केतु एस्पेक्ट करता हुआ जिन साइंस पे होगा उस साइंस पे आप फ्लाइट चढ़ जाओगे. ठीक है, तो दैट्स ठीक है, तो इस तरीके से समझ जाओ. सर नेक्स्ट टाइम आप इनका का वो ले लेना चार्ट सर, उसपे समझा देना जैसे इनका भी हो रहा. सर जैसे आप कह रहे हो चार्ट एनालाइज करोगे तो एक ही करके सबका लेके ना, वो जल्दी समझने में हमको इजी लगेगा. कभी संध्या का ले लिया, कभी अरविंद जी का ले लिया. अच्छा अच्छा, मेरा मत लेना, मेरा राहुल ले. जब मैं सारे लगन कवर कर रहा हूँ तो तुम्हें फिर चिंता की बात. जब मैं लगन ही 12 लगन कवर हो रहा है स्कॉर्पियो में आया मार्स, मैं मार्स को घुमाऊंगा. ठीक है, कर्शान मत को मैं मार्स को ना 12 उसमें घुमाऊंगा, वो बाद का प्रोसेस है. लेकिन मैं तुमको साइन से साइन अगर तुमको वो हो गया ना, फिर तुमको टेंशन नहीं होना चाहिए. तुम्हारा सारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि तुमको साइन आ जाए, साइन का लाइक दिल में बैठ जाए, मन में बैठ जाए. इतना कि ना कि मैं पूछूं कि बताओ जेमिनी के बारे में, तो तुम्हें एक घंटे तक चुप ना होना पड़े. तुम एक घंटे तक ना जेमिनी के बारे में ये जेमिनी वो जेमिनी जेमिनी ऐसा जेमिनी वैसा सारी चीजें तुम्हारे पास घंटे भर की होनी चाहिए. इतना तक आत्मसाद होना चाहिए जेमिनी का. अगर मैं 2.5 घंटे बता सकता हूँ या 3 घंटे बता सकता हूँ, तो तुम्हारा 1 घंटा तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं. सर मेरे को आप बोलने की छूट दे दो फिर. देखो सर मैं 2 घंटे में ठीक है नेक्स्ट टाइम ना फिर जेमिनी पूछा जाएगा आपसे. चलो कोई नहीं. नहीं, नहीं 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 वैसे दूसरी बात. चलो ठीक है, दैट्स इट. ओके बाय, गुड नाइट. बाय बाय बाय, गुड नाइट. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू.